करते हैं तो हम पहले अपने आप की जो अपनी पोजीशन है, फिजिकल पोजीशन है, उसको अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा, आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा और वो आपको अपने लाइफ में उसको डालना भी चाहिए। वो पहली इंस्ट्रक्शन क्या है कि आप कहीं भी बैठे हैं, आप कोई भी लर्निंग करने जा रहे हैं, कोई भी स्टडी करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान में रखिए इस बात का कि आपकी बॉडी बहुत ही रिलैक्स फॉर्म में रहनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे। कहीं पर भी कोई स्ट्रेस ऐसा तो नहीं कि हमारी पीठ में कुछ ऐसा पेन फील हो रहा हो, या हमारे मुट्ठी बंद हो, या हमारे जो एड़ी हो उसमें कुछ स्ट्रेस हो रहा हो, तो अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। सबसे पहले लॉ ये होता है किसी भी लर्निंग का, सबसे पहले पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। आप कहीं पे कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल लॉ है, जहाँ पर स्ट्रेस होगा उधर एनर्जी दौड़ जाएगी। कहने का मतलब आपका ध्यान उधर चला जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जिधर भी आप ध्यान दोगे एनर्जी उधर फ्लो होती है। ठीक है, और आपका ध्यान उधर फ्लो होगा जहाँ पे स्ट्रेस होगा, क्योंकि वो उसको रिमूव करना चाहते हैं, उसको क्योर करना चाहते हैं। आपकी बॉडी का कंसेप्ट यही होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले बॉडी को स्कैन कर लीजिए, रिलैक्स करिए पूरी बॉडी। दूसरा लेवल है माइंड का। माइंड का लेवल का मतलब ये होता है कि माइंड लेवल पर हम थोड़ा सा अपने आप को फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है बहुत सारे थॉट्स ऐसे चल रहे हैं जो बिल्कुल हमें डिस्ट्रैक्ट करके ले जा रहे हैं, हम लर्निंग में अपनी फोकस नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा जबरदस्ती नहीं करेंगे, उनसे झगड़ेंगे नहीं। थॉट्स आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए। जैसे आपके सामने अगर रिवर फ्लो हो रही है तो रिवर फ्लो होने दीजिए। आप कभी रिवर को स्टीयर नहीं कर सकते कि स्टीयर की आपकी एक प्रॉपर डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में बह रही है तो आप उसको नॉर्थ डायरेक्शन में कर दो। आपको रिवर को स्टीयर नहीं करना है। स्टीयर का मतलब थॉट्स का फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव थॉट, निगेटिव थॉट, न्यूट्रल थॉट, लगातार उसका फ्लो आपके माइंड में चल रहा है। ठीक है, तो आपको केवल ऑब्जर्व करना है कि ऐसा कुछ चल रहा है। आपको जो फ्लो है उसमें कूदना नहीं है। ठीक है, आपको उसके अंदर कूद नहीं जाना है कि वो क्यों चल रहे हैं, मैं रोक लूँ। ये बिल्कुल वही बात होगी, एक बहुत अच्छी नदी बह रही है और आप उसमें छलांग लगा दो पानी रोकने के लिए। पानी नहीं रुकेगा, आप बह जाओगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, हम अपना सारा फोकस इसके बाद अपनी ब्रेथ पे ले आएंगे। और इसके साथ मैं आपको चीज़ें बताता जाऊँगा, याद दिलाता जाऊँगा जो मैंने आपको पहले बताई है। ब्रेथ एक बहुत बड़ा एंकर है। एंकर मतलब एक तरह का लंगर आप मान लीजिए। अगर हम ब्रेथ पे फोकस करना सीख जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका माइंड बहुत काम रहेगा, आप बहुत पीस ऑफ माइंड से लर्निंग करोगे, तभी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं आएगी। तो जिन लोगों का एंकर ब्रेथ है, और ब्रेथ की एक खास बात है उसको दोहरा देता हूँ, ब्रेथ हमेशा प्रेजेंट में होती है, ना तो पास्ट में होती है ना फ्यूचर में होती है। देखा कभी आपने, जो आप ब्रेथ ले रहे हैं वो अभी ले रहे हैं, कल नहीं ले रहे थे, पास्ट नहीं हो जाएगा, अभी इसी वक्त। तो ब्रेथ हमेशा प्रेजेंट में होती है। तो जैसे ही आप ब्रेथ पे फोकस करते हैं, यू आर लिव इन नाउनेस। नाउनेस का मतलब होता है प्रेजेंट में जीना आप शुरू कर देते हैं। तो जब आप ब्रेथ पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे जैसे 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 आपका फोकस बढ़ता है, बीच बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन आएंगे। किसका डिस्ट्रैक्शन आता है, किस चीज़ का डिस्ट्रैक्शन आता है, डिस्ट्रैक्शन कौन करता है, आप सोच लो। थॉट का, थॉट आएगा आपको डिस्ट्रैक्ट करके ले जाएगा, थॉट आएगा आपको डिस्ट्रैक्ट करके ले जाएगा। अंडरस्टैंड, तो हम क्या करेंगे, बार बार थॉट आके डिस्ट्रैक्ट करेगा हमें, प्रॉब्लम कोई चीज़ मतलब वहाँ से हटना नहीं है। हम ब्रेथ पे दोबारा फोकस करेंगे, फिर ब्रेथ पे फोकस करेंगे, फिर ब्रेथ पे फोकस करेंगे, और धीरे 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 डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा और हम ब्रेथ पे फोकस करने लगेंगे। और आप देखेंगे इन रिस्पॉन्स, जैसे आपका ब्रेथ पर फोकस होता है, माइंड आपका काम होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप केवल ब्रेथ पे फोकस करते हैं तो आपका माइंड काम हो जाता है। इसका उल्टा भी आप देख सकते हैं, अगर आपका माइंड काम है तो आप ब्रेथ पे फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि ब्रेथ आउट ऑफ ऑर्डर नहीं चल रही है, ब्रेथ बहुत रिदमिक है। तो ब्रेथ एक तरह का आपके पास टूल हो गया, आप ब्रेथ पे फोकस करें तो माइंड काम हो रहा है। इससे पहले अपनी बॉडी को आप रिलैक्स कर लीजिए, कभी ध्यान मेरा बॉडी की तरफ तो नहीं जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को मैंने हमेशा आपसे बोला कि इस चीज़ को आप हमेशा करिए, कोई भी स्टडी करने जा रहे हैं, कोई लर्निंग करने जा रहे हैं, तो बॉडी अपनी रिलैक्स कर दीजिए, जिससे आप अच्छे से अच्छे इसको बैठ कर सकें मैटर को, जो भी आप जिसके साथ भी इंटरेक्ट होने वाले हैं। इसको जरा आप आगे बढ़ते हैं, देखो
आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं डेडिकेट करता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ होता है, हैप्पीनेस होता है, माइंड बॉडी लिंक होता है। आज का जो जो प्रेजेंटेशन है वो है ट्रांसफॉर्मेशन पर। क्या आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है, मुझे क्यों चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा मेरे साथ क्या गलत हो गया है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है ऐसा तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। देखो मैं बताता हूँ क्या गलत हुआ है। बाहर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एक्सटर्नल सिचुएशन होती है, ठीक है, पहले तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत अप एंड डाउन हो जाते हो, है ना, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। फिर क्या होता है, हमारी आदत ऐसी हो जाती है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, चिंताओं से भर जाते हैं, वो ज़रूरत नहीं है, है ना। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, इस चीज़ को रिवर्ट करने के लिए, ठीक है, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत बड़े फिलासफर हुए ओशो, आपने नाम भी सुना होगा, उनका नाम है आचार्य रजनीश ओशो, उनका एक स्टेटमेंट मेरे को याद आ रहा है तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। देखिए एक जन्म जो है, मैंने इसको पहले भी बोला था, एक जन्म जो होता है ये हमें माँ बाप से मिलता है और एक जन्म हमें खुद अपने आप को देना होता है। तो जो दूसरा जन्म है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, अपने भीतर को, अपने इनर को दोबारा रीडिस्कवर करना होता है। ये जानना होता है कि ये कोलाहल भरा जो माइंड है, जितने नॉइज है माइंड की, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं वो नहीं हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं उससे आइडेंटिफाई कर गया हूँ, कहीं नॉइज है, कहीं पे नॉइज है और आप उससे आइडेंटिफाई कर जाएं तो बताइए आपकी लाइफ क्या होने वाली है, ठीक है। तो दूसरा जन्म देने की जरूरत है अपने आप को, वो दूसरा जन्म है रीडिस्कवर करना, अपने आप को जानना कि पीस मेरा नेचर है, लोगों से स्नेह रखना मेरा नेचर है, लेकिन वो मैं भूल चुका हूँ। तो अपने आप को रीडिस्कवर करना, अपने आप को रीबर्थ करना बहुत जरूरी है। ये टीचिंग है द ग्रेट ओशो जी की, तो मुझे याद आया, मैंने आपको बता दिया। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं लगता मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का, और बहुत ही शानदार वीडियो है। मैंने जब इस वीडियो को देखा तो मैं खुद स्तब्ध रह गया कि क्या वीडियो बनाया है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का ये 1.5-2 मिनट का वीडियो है, आप देखिए और आपको इसके बाद में इसके बारे में बात करता हूँ कि कोई कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई बनता है, कैटरपिलर को कब पता चलता है कि वो बटरफ्लाई हो सकता है, कब आपको ये बात पता चलेगी कि आप इस जिस तरह का डिस्ट्रैक्शन है और वरीज वाली लाइफ है, इससे अलग एक लाइफ आप जी सकते हैं। इसके कारण इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि अपनी अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले इस वीडियो को देखिए, बहुत ही शानदार वीडियो है। इसका आज का फाइनल डे का थीम है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, हम अपने आप को दूसरा जन्म कैसे दे सकते हैं, हम अपने आप को रीडिस्कवर कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को अगर बदल दें तो पूरी दुनिया कैसे बदल सकती है, ये इसके बारे में है। आप इसको देखिए और इंजॉय करिए।
आपके बारे में बात करता हूँ, बहुत ही शानदार मूवी मुझे लगता है ये, और मुझे आशा है कि आपको भी लगा होगा। और हर्षद सर मेरी आवाज आ रही है? मैम वीडियो की आवाज साफ आ रही थी क्या? हेलो सर, यस सर, ठीक है मैम, एक मिनट ठीक है, मेरा मैं वॉइस में जरा ठीक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, इसका क्या चीज वीडियो में शुरू हुई पता है आपको? आप ध्यान से देखा आपने वीडियो, ठीक है, आप ये देखिए कि कैटरपिलर को जब पता चलता है कि वो बटरफ्लाई हो सकता है, कैटरपिलर को पता चलता है कि वो बटरफ्लाई हो सकता है, उसके भी पंख हो सकते हैं, तो उसका एक रीबर्थ होता है। मैं कहना चाहता हूं, एक तो सबसे पहला तो अंडा बनता है, एग बोलते हैं इसको, ठीक है, और उसके बाद वो चौथी स्टेज होती है जिसमें कि वो बटरफ्लाई बन जाता है, ठीक है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनता है, वो अपने आप में, मैं इसको मानता हूं एक तरह का इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। पैदा तो वो हो गया, पैदा हम सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कभी भी नहीं जान पाते, कभी भी इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं पाता कि मैं बिना वरीज के अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ एक बेहतरीन जिंदगी जी सकता हूँ, ठीक है, एक ब्यूटीफुल लाइफ जी सकता हूँ जिसमें मैं लर्निंग कर सकता हूँ, अपने आप को एजुकेट कर सकता हूँ, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर लोगों के साथ बेटर कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि कोई कैटरपिलर भी बटरफ्लाई हो जाती है। इसी तरीके से ये जो आप हैं अभी या हम हैं सारे लोग, अगर इस डायरेक्शन में थोड़ा मूव करना चालू करें, और मैं एक चीज याद दिला देता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और पता लगा मेरे दिमाग से निकल जाए तो मैं अभी आपसे इसके बारे में बात कर लेता हूँ कि पूरे 24 घंटे होते हैं हमारे पास, 24 आवर्स, क्या इस 24 घंटे में से हम एक घंटा भी नहीं, 1 आवर भी नहीं निकाल सकते अपने लिए? ठीक है, इसके बारे में और मैं बाद में बात करूंगा कि मैं आपसे क्या चाहता हूं या आप क्या क्या चीजें थोड़ी मोड़ी एडजस्ट करें अपनी लाइफ में। 24 घंटे में से एक घंटा निकालना है, उस एक घंटे में आप होंगे अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ, अपने रियल सेल्फ के साथ, ठीक है, और उस एक घंटे की प्रैक्टिस, मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, आपके बचे हुए 23 घंटे का वो पूरा पूरा ख्याल रख सकते हैं, पूरा ध्यान रख सकते हैं। इसमें आपको इतनी वरीज हो जाती है, इतना डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, वो कभी नहीं होगा। हमें एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन की, एक रियल पहचान की जरूरत है। इस वीडियो से मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर हर कैटरपिलर एक बटरफ्लाई हो सकती है, तो हम भी नॉर्मल ह्यूमन बींग जो चिंताओं से भरे हुए हैं, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक नई स्टेट को पा सकता है, एक रियल आइडेंटिटी को पा सकता है जिसमें कोई वरी नहीं है। हम सारा काम विदाउट वरी, अपनी सारी एनर्जी को वरी से क्रिएटिविटी के साइड में शिफ्ट करें। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, एक कोट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि आज का जो पूरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हम इसको कर सकते हैं और इसका क्या मतलब है। ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और जो भी इस प्रेजेंटेशन में आप कभी भी आपने देखा है कि मैंने कोई कोट यूज किया है, कुछ भी यूज किया है, तो वो सारी चीज मैंने यूज की है जिन्होंने मुझे बड़ा प्रभावित किया है लाइफ में, ठीक है। तो ये है लाइन्स हैं दीपक चोपड़ा, आप इनको गुरु बोल सकते हैं, मेरे लिए तो गुरु है। सेल्फ रियलाइजेशन इज हाईएस्ट हीलिंग, ये क्या मतलब है? हीलिंग का क्या मतलब होता है? मतलब कोई प्रॉब्लम है उससे छुटकारा हो गया, कोई सफरिंग है वो हील हो गई, वो भर गई, अब चोट नहीं रही। इसी तरीके से कैटरपिलर बने रहना बटरफ्लाई के लिए एक सफोकेशन है, मैं ये कहना चाहता, बटरफ्लाई के लिए कैटरपिलर बना रहना एक तरह की सफोकेशन है,
जब कैटरपिलर को पता चलता है कि वो बटरफ्लाई हो सकती है तो लाइफ उसकी बदल जाती है, यानी कि कैटरपिलर सेल्फ रियलाइज कर लेता है अपने आप को कि वो कैटरपिलर नहीं है, वो बटरफ्लाई है। तो इसका क्या लिंक है उससे, सेल्फ रियलाइजेशन इज हाईएस्ट हीलिंग। जिस दिन जिस समय ये हमको पता चलता है कि हमारी रियल आइडेंटिटी है साइलेंस, पीस, ये उस रियल आइडेंटिटीज के गुण है, बीइंग इन लव, ठीक है। अगर जब हमें ये डिस्कवर होता है, जब हम ये रीडिस्कवर कर पाते हैं, अपने आप को बर्थ दे पाते हैं कि हम ये हैं, तब कैटरपिलर बटरफ्लाई कन्वर्ट हो जाता है। तब वो रियलाइज कर लेता है कि नहीं, मेरे तो पंख हैं, अरे मेरे को उड़ना है, और मुझे देखकर कितने लोग खुश हो जाते हैं। कभी देखा आपने, बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, तो लोग उनके पास जाना चाहते हैं, अरे क्या बात करते हैं, उनसे तो मजा आ जाता है। आप कभी बटरफ्लाई देखते हैं, कैसा लगता है आपको, बड़ा शानदार लगता होगा ना, कितने कलर्स हैं उसके पास। और कैटरपिलर को देख के क्या लगता है आपको, ये तो कीड़ा है, ठीक है, ये तो यहाँ वहाँ रेंग रहा है। तो इतना जो इतने सारे कलर्स हैं वो कैटरपिलर में बंद थे, वो कैटरपिलर में कहीं बंद थे, लेकिन जैसे ही कैटरपिलर को पता चला कि नहीं, ऐसा तो हो सकता है, मैं बटरफ्लाई हो सकता हूँ, बटरफ्लाई हो गया, तो ये उसने अपने आप को रिवर्ट किया है, अंडरस्टैंड। तो जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तब आप समझिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी वरीज होने में छूट जाती है। उसी बात को दीपक चोपड़ा कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन इज द हाईएस्ट हीलिंग, फिर कोई चिंता चिंता नहीं। अब वो स्टेटमेंट है मेरे लिए, हाँ ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में एनर्जी नहीं खर्च करूंगा, मैं इसके सोल्यूशन में अपनी एनर्जी को लगाऊंगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है। स्टेटमेंट को याद रखिएगा, सेल्फ रियलाइजेशन इज द हाईएस्ट हीलिंग। आपने अपने आप को जाना तो समझ लीजिए, फिर आपको कोई सफर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल्फ। अच्छा, मैं इतनी बात कर रहा हूँ सेल्फ की, सेल्फ है क्या, कौन है भाई सेल्फ। सेल्फ रियलाइजेशन किसको रियलाइज करना है, उनको सेल्फ को, ये सेल्फ सेल्फ है क्या। अब इस पिग्गी आपके सामने स्लाइड शो रही होगी ना, तो इसमें आप देखिए एक गर्ल है, वो अपने आप को देख रही है और उसके जो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं उसमें तो कुछ और आ रही है वो, और अभी वो कुछ और है। इसका मतलब जो लाइफ हम अभी जी रहे हैं इसमें बात बात में सफरिंग है, इसमें बात बात में इतनी सफरिंग है कि हमारी जो लाइफ है बड़ी क्लियोटिक होती जा रही है और हमें पता ही नहीं लाइफ में करना क्या, और हमारा जो हिडन पोटेंशियल है वो कहीं दबा पड़ा है, रियल खजाना अंदर कहीं दबा पड़ा है, हमें उसकी कोई भी खबर नहीं। तो कहने की बात ये है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, क्या मेरी रियल आइडेंटिटी कैटरपिलर है या कैटरपिलर में कहीं बंद बटरफ्लाई है। इस चीज को सरल की बात, क्या हम कैटरपिलर रह के ही यहां से चले जाएंगे या हमें कभी पता भी चलेगा कि हम बटरफ्लाई हो सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट। तो बटरफ्लाई तुम्हारा सेल्फ है और अभी तुम कैटरपिलर हो, ये ध्यान में रखना, और अभी तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पंख भी है और तुम कितने रंगों से भरे हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं। अब पता करने का एक मैं आपको वो देता हूं, जांच, जांच ये है, परख ये है, सिचुएशन आए और तुम वरीज ना करो, उसके सलूशन पे जाओ, मतलब तुम इन जर्नी पे हो, यात्रा पे हो, सेल्फ रियलाइजेशन। छोटी सी प्रॉब्लम आए लेकिन तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तुम 10 लोगों के गुण बाहर बता देते हो, ब्लेम लगा देते हो, तो समझना सफरिंग चालू है। अभी तुम्हें बटरफ्लाई होने का कोई मन नहीं है, तुमने छोड़ो यार कैटरपिलर से होके काम चल रहा है मेरा, तो तुमने क्या किया, जो तुम्हारे बाउंड्री है उसी को मान लिया, तुम्हें बटरफ्लाई से कोई मतलब नहीं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना सेल्फ, आपका सेल्फ है बटरफ्लाई हो जाना, अभी क्या हो कैटर। और कमाल की बात है, लोग इसमें जिंदगी जीते हैं,
कोई स्टूडेंट अगर मुझे फोन करता है यहाँ से पास आउट होने वाला, तो वो बताता है कि जॉब कर रहे हैं, मेरा सवाल उससे ये रहता है कि आर यू हैप्पी और नॉट। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक पुराना एग्जांपल है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, नाम लेके रख लेता। एक स्टूडेंट मेरे पहले बैच में पढ़ाई थी, उसका नाम था ईप्सिता शुक्ला, और वो सेटल हुई यूएसए में और बहुत अच्छी जॉब में थी। वो बताती कि सर मैं ऐसे ऐसे करके मैं इंटेल इंटेल में काम कर रही थी, एंड टीचर्स डे था उसको, उसका हर टीचर डे के दिन फोन आता कर रहे हैं। और हेलो सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ अच्छा मैं देखता हूँ, अब दोबारा देख रहा हूँ, अब वॉइस क्लियर आ रही है मैम? सर, मैं क्या वॉइस क्लियर है? यस सर, ठीक आ रही है मैम? ठीक है मैम, दोबारा मैम मैम स्क्रीन शो हो गया? यस सर, मैम यस स्क्रीन सर, शो हो यस गया सर, क्या? शो हो रहा है। मैम साउंड क्लियर आ रही है? ठीक यस सर, अभी क्लियर है। है, चलो अब क्लियर है। ठीक है, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारा रियल सेल्फ है, अभी वो कहानी में दोबारा से बता दूंगा आपको। तो जो मेरा जो रियल सेल्फ है वो बटरफ्लाई है, और जो मेरा ट्रू सेल्फ नहीं है, यानी कि नॉट ट्रू सेल्फ या फॉल्स इमेज है, वो कैटरपिलर है। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बता रहा था कि एक स्टूडेंट थी मेरी ईप्सिता शुक्ला, और सेटल डाउन आरकेजीआईटी के पास आउट है, बहुत अच्छी स्टूडेंट, और उसकी उसने अपनी मेहनत से एक मकाम बनाया था और बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रही थी, अभी भी काम कर रही है, यूएस में इंटेल में थी उस समय, अब दूसरी कंपनी में वो। तो मेरी बात हुई तो उसने बताया कि ये मेरा लाइफ में ये डिस्टर्बेंस है सर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ऑफिस में वो इतनी पैनिक हो रही थी। तो मैंने बड़ी ईमानदारी से उससे सवाल पूछा था कि आर यू हैप्पी और नॉट, तुम कितना पैसा कमा रही हो, कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ तुम खुश हो कि नहीं हो। उसने बोला मेरे को सर साफ साफ कि सर मैं खुश नहीं हूँ। तो मेरी फिर उससे कॉन्वर्सेशन हुई, और फिर वी हैव सर्टन प्लान्स कि हाँ तुम मेडिटेशन शुरू करो, इस तरह की चीज़ों को विजुलाइज करो, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत करो। तो वहाँ से उसकी शुरुआत हुई, और बहुत ही इनरिच है वो, और अपने ऑफिस ऑफिस तक में उसने शुरुआत कर दी। मैं आपको क्या बताऊँ उसके बारे में और डिटेल में। तो ये सारा प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान में रखिएगा। आपका सेल्फ है बटरफ्लाई, आपका सेल्फ बटरफ्लाई है, कैटरपिलर नहीं है, आपकी रियल आइडेंटिटी। ठीक है, कहीं पर मेरी वॉइस क्लियर नहीं होती है तो प्लीज कोई भी मुझे रोक सकता है और ये कह सकता है कि सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अब बात करते हैं माई फॉल्स आइडेंटिटी, सफरिंग। मेरी फॉल्स आइडेंटिटी का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी पता है आपको क्या? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है मुझे सफरिंग हो रही होगी, छोटी छोटी बात पर। और सफरिंग इतनी ज्यादा इनरिच हो जाएगी, इतनी ज्यादा इनरिच हो जाएगी कि वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब बिना सफरिंग किए मेरा कोई काम ही नहीं होता, जब तक मुझे बुरा ना लगे तो धक्का लगता ही नहीं मुझे, तो मेरा काम कोई होता नहीं। तो आप ये समझिएगा ये गड़बड़ बात है, ये दिक्कत वाली बात है। इसका मतलब जिस तरह की लाइफ में जी रहा हूं वो मैंने कहीं से गलत अडेप्ट कर ली है। एक नियम है, आप अभी चेक करो, सुनते सुनते चेक करो कि क्या पूरे दिन में सुबह से लेकर अब तक मुझे सफरिंग हुई है कि नहीं हुई है। अगर आपको सफरिंग हुई है तो ट्रैक को नए ट्रैक पर आने की जरूरत है। लोग बोलते हैं कि नो गेन नो पेन नो गेन, बिना पेन के तो गेन होगा नहीं। अब मैं ये कहना कहना चाहता हूं कि ये कहा किसने है, मेहनत करना अलग चीज है, लेकिन आपको सफरिंग हो रही है तो पहले तो आप सफरिंग से लड़ो और फिर मेहनत करना चालू करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि सफरिंग आप अपना रियल स्टेट जान लीजिए, उसके बाद आपको सफरिंग में कोई एनर्जी नहीं जाएगी। जस्ट विटनेस द सफरिंग की ये ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है। तो ये कहना अपने आप में कि पे जब तक आपको कुछ गेन करना है उसके लिए पेन होना पड़ेगा,
ये किसी और ट्रैक की बात है। आप अपना रियल सेल्फ जानिए कि आप बटरफ्लाई है, तब आपको कैटरपिलर वाला दर्द या सफरिंग बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। ये वो कैटरपिलर है जो कह रहे हैं कि हाँ कैटरपिलर होने में क्या दिक्कत है, इतनी तो परेशानी होगी। ये वो लोग हैं जो अपने आप को इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहते, जो बटरफ्लाई होने से मना करते हैं और इसके सत्तरियों एविडेंस देते हैं कि ये तो गलत है, ऐसा तो गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये गलत चीज है। ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको सफरिंग हो रही है इसका मतलब ट्रैक सही नहीं है, इसको बदला जा सकता है, इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, कोई बात अगर आपको चुभ रही है ना, इसमें सामने वाले की कम और हमारी ज्यादा गलती है। हमें चुप कैसे रही है, इसका मतलब है हमने रास्ता दे दिया उसको। तो हम सबसे पहले जो भी इम्प्रूवमेंट करना है वो बाहर से ज्यादा इनर जरूरी है। सबसे पहले उसको आप पहले एडजस्ट करिए और फिर जवाब दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए कोई किसी की बात ठीक नहीं लगती है, अपना स्टेटस चेक करिए, मैं तो सफर नहीं हो रहा हूं ना, फिर आप बोल सकते हैं कि आप ये बार बार मुझे क्यों बोल रहे हैं ऐसी बात। आप पहले बोलिए, जवाब देने के लिए मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, जवाब सारे देने हैं आपको, लेकिन अपना इनर स्टेटस आप पहले चेक करो, वहां पर सफरिंग नहीं होनी चाहिए। खूब मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, करियर बनाना है, लेकिन ये बीच में सफरिंग क्यों आ रही है? सफरिंग है जो होती है वो इनर जनरेटेड है, बाहर से नहीं है, हमने उसको जनरेट कर दिया है क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस और हमारी जो फॉल्स आइडेंटिटी है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान रखिएगा, आई एम नॉट हियर फॉर सफरिंग, मैं यहां पर, हम यहां पर इसलिए नहीं है कि जिंदगी भर अपनी सफरिंग को बियर कर सके। एक अभी साधु गुरु जी थे, उनका स्टेटमेंट मैंने अपने स्टेटस पे लगाया था दो दिन पहले, उनकी याद आ रहा तो शेयर कर दिया कि हम लोग जॉब करते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है, अपने माँ अपने बच्चों का और पूरी फैमिली का ध्यान में रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रेस से मारने के लिए नहीं। कि इतना स्ट्रेस हो रहा है शाम को आके कि हम लोग, हमारी बुरी हालत है, उसके लिए नहीं कमा रहे हम लोग, हम कमा रहे हैं बेटर लिविंग के लिए। हम दवाइयों के लिए नहीं कमा रहे हैं कि हमने पैसे कमा लिए अब दवाइयों पे खर्च होंगे, यही हो रहा है। आप देखिए टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन को लेकर कितने केसेस आते हैं आजकल। मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू क्यों हो गया है? क्योंकि हम अपने बारे में भूल गए, हमें पता ही नहीं चला हम बटरफ्लाई हो सकते हैं, हम कैटरपिलर के साथ खुश हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, यू आर ए बटरफ्लाई। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट पर, एक मिनट, दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम, मैं कोशिश करूंगा इसको रिजॉल्व करने की। नाउ ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या चीज बताने की कोशिश है? शिफ्टिंग फ्रॉम फॉल्स आइडेंटिटी टू द ट्रू आइडेंटिटी। कैटरपिलर बटरफ्लाई बनेगा। तो ये जो शिफ्टिंग है, इसके लिए कोई काम करने की, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई शिफ्ट कर देना है, काम करना है, जहां पर इसके लिए क्या चीज करनी है वो आप ध्यान में रखिए। क्या चीज करनी होगी मुझे इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? अपने आप को टाइम देना होगा, 24 घंटे में से एक घंटा दीजिए अपने आप को, आपको और केवल आप अपने साथ बैठे और आप अपने साथ बैठें और अपने अंदर जो आपकी बटरफ्लाई है उसको महसूस करें, वो कहाँ दबी पड़ी है, उसकी फ्रेग्रेंस आप तक आनी चाहिए। जब आप साइलेंस में बैठते हो, जब आप पूजा में बैठते हो, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, तब आपका सेल्फ आपको खुद ही अप्रोच करता है। आप उसको थोड़ा सा मौका दीजिए, आप हटाइए पत्थर और झरना बहेगा। मैं आपको यही चीज बोलना चाह रहा हूं, जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे ये शिफ्टिंग करना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि नॉइजेज इतनी ज्यादा हैं बाहर, हम उसमें दबे जा रहे हैं, हमें
अपने बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा हूं, तो अपने आप को टाइम दीजिए और एक इनर शिफ्ट, और जब आप एक घंटा यानी कि 60 मिनट देंगे अपने आप को, 20-20 मिनट करके तीन सेक्शन बनाइए, सुबह शाम जैसे आप सो के उठते हैं तब, और 20 मिनट दोपहर या शाम को, और 20 मिनट सोने से पहले, एक घंटा 1 hour 60 minutes अपने आप को बदलने के लिए शुरुआत के हिसाब से बहुत अच्छा है। कुछ भी हो जाए 20 मिनट तो मेरे को बैठने हैं आराम से, और कोई 24 घंटे में से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पब्लिक कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं बता दूं, जो आज कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वो 4 घंटे डेली बैठेंगे, उनको उनको ज्यादा जरूरत है बैठने की। देयर वाज अ स्टेटमेंट बाय द ग्रेट दीपक चोपड़ा जी, जो लोग कहते हैं अरे हम तो ठीक चल रहा है, लाइफ बहुत मस्त है यार, क्या करना है, सब ठीक है, इतने पैसे कमा ही रहे हैं हम, चालाक हैं इतने ज्यादा, लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमा लेते हैं। आप ये ध्यान रखना, चालाकी चाहिए मैनिपुलेशन, मतलब माइंड है, माइंड ओरिएंटेड हो गया, और वही माइंड जब सफरिंग पैदा करेगा तब आप दरवाजा ढूंढोगे, फिर आप हाथ जोड़ के हो जाते हो, भगवान तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, भगवान इसमें क्या करेंगे भाई, तुमने कुछ किया है अपने लिए, तुमने तो कुछ भी नहीं किया ना, तुम्हें तो 1 घंटा निकालने में दिक्कत हो रही है। ध्यान रखिए, जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आप शिफ्ट करोगे अपने आप को फॉल्स आइडेंटिटी से ट्रू आइडेंटिटी की तरफ, स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए होता है, उसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे आपको फायदा मिलेगा, आप खुद बैठना शुरू हो जाओगे, आप खुद अपने आप अपने साथ बैठना बहुत जरूरी है। ये जान लेना कि मैं बटरफ्लाई हूँ, इसको मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसमें आगे मैंने काफ़ी डिफरेंट स्लाइड्स मैंने आज चूज की हैं, अब बात करते हैं उसी का एक प्रेसिपिटेटेड फॉर्म है, द न्यूरोसाइंस ऑफ वेलबींग। इस चीज का ये एक तरह की समरी है लगभग 4 मिनट की, और इसमें बहुत ही शानदार प्रोफेसर हैं और वो बताते हैं न्यूरोसाइंस के बारे में, बहुत अच्छी वॉइस है, और इसमें जो पास्ट कंसेप्ट जिसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा एज ए समरी फॉर्म में, आप ये बात जानेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसको मैंने ये बोला है कि जो ब्रेन अपने आप को रीवायर करता है, शेप अप कर लेता है फॉर बेटरमेंट, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है न्यूरोसाइंस की वेलबींग होने के लिए, जिसमें बात होगी व्यवहार में लचीलेपन की और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है, आप केवल वॉइस बहुत क्लियर है, उस वीडियो को आप केवल सुनिएगा, कोई जजमेंट मत करिएगा, और मैं सुनने का तरीका आपको एक बार बता चुका हूँ, द आर्ट ऑफ लिसनिंग क्या है, सुनना है, सोचना नहीं है, जो चीज आपके पास आ रही है उसको पहले उससे भर लो अपने आप को, उसको भर जाने दो, तुम बीच में अड़ंगा मत करो कि ये क्या आ रहा है, तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारा रियल सेल्फ खुद समझ लेगा कि क्या बोला जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोई आता है और कुछ बीच में हम उस पर जजमेंट करना शुरू करते हैं, अरे यार ये तो पहले सुना हुआ यार, ये तो ये कब क्या, तो वो जो आने वाली चीज है वही उसके लिए ही ऑब्स्टिकल हो जाएगा। इसको सुनिए, ये है द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, द साइंस ऑफ वेलबींग, बहुत अच्छा वीडियो है, आप इसको जरूर पूरा सुनिए। Our brains change in response to experience and in response to training. Our brains change wittingly or unwittingly. Most of the time, our brains are changing unwittingly. And the invitation in Action for Happiness, the invitation in what His Holiness was saying, is that actually we can all take more responsibility for our own brains by cultivating healthy habits of mind. We are learning to actually change brain circuits in ways that promote well-being. There are 4 constituents of well-being that have been validated by modern empirical neuroscience. And I'd like to very briefly just go through those 4 constituents. The first has to do with resiliency.
five signs of the good search on meditation. It's that attention. As William James said in 1890, attention can be educated. There is absolutely no doubt about it. And this is something that we learn. The last constituent, what is well-being, five signs of validated, is best summarized by the single word generosity. Being kind to others, acting on behalf of others, turns out to activate the very circuits in our brain which sustain positive emotion. And they activate those circuits in a way that can produce change that lasts more so than anything else that has been studied by neuroscientists. This is really something that produces very direct change in these circuits in the brain. So these four constituents, resilience, capacity to sustain positive emotion or outlook, as we call them, attention, and generosity, are all critical components, and they all take advantage of engaging circuits in the brain, exhibit plasticity, change. So the invitation again is that we can all take more responsibility for our own brains by engaging in certain simple mental hygiene, as His Holiness described, which can change these circuits in ways that will enable us to be more happy. Thank you. This is आशा कर रहा हूँ कि मेरी आवाज आप तक आ रही होगी. मेरे साउंड क्लियर है? एनीवन? यस सर. ठीक है, थैंक यू. और मैम वीडियो क्लियर था ना? यस सर, वीडियो क्लियर था लेकिन वॉइस बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी. बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, चलिए मैं बता देता हूँ. तो न्यूरो साइंस ऑफ वेलबींग है, इसमें बताने की जो कोशिश की गई है, कोशिश जो की गई है वो कोशिश ये थी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो आपका एक्सपीरियंस है अच्छा बुरा, अगर आप अपने एक्सपीरियंस को बेटर कर लें तो आपने अपने ब्रेन को शेप अप कर सकते हैं अपने को इनलाइट करने के लिए, अपनी लाइफ की वेलबींग को ट्रिगर करने के लिए, कि हमें अच्छा लगे अपने बारे में सोच समझ के. तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं. जैसे कि बताया गया इस चीज़ को कि जैसे कि जो अटेंशन है, ठीक है, एक होती है इंटेंशन और एक होती है अटेंशन. तो अटेंशन जो है, ठीक है, सतर्कता जो है वो आपको लर्निंग को इन्हेंस कर सकती है और आपको आपकी एजुकेशन को इन्हेंस कर सकती. तो वो एक पूरी चीज़ इसमें बेस थी, वो थी न्यूरो प्लास्टिसिटी को लेकर. अब एक जर्नी हम शुरू करते हैं, एक तरह की समरी आप ये देखेंगे, और जितना भी 5 दिनों में पढ़ाया गया और ये लर्निंग शीट बनाने में आपको बहुत मदद करेगा, उसमें जो मेन कंसेप्ट थे वो मैं आपसे यहाँ पे डील करूँगा. और एक स्नैपशॉट आप कह सकते हैं कि लास्ट के 5 दिनों में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी एक रिविज़न के तौर पर, और ये आपको लर्निंग शीट बनाने में और एक बेसिक न्यूरो साइंस फाइंडिंग को ध्यान में रख के मेरी चीज़ बनाई है और आपको पसंद आएगी. यहाँ से शुरू कर सकते हैं और इसमें से मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने चूज़ की हैं पिछले 5 दिनों की प्रेजेंटेशन की. अब इसमें आगे चलते हैं. देखिए, सबसे पहला जो हमारी जब शुरुआत हुई थी तो मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है, लाइफ इज़ फ्लोइंग फ्रॉम इनसाइड आउट. लाइफ अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करती है. आपको ये बीज है, सीड है, वो मट्टी में अंदर दबाते हैं, ठीक है, और वो बाहर बनता है पौधा निकलता है, ठीक है. अब मैं आपको उसी एक सीड की अगर कहानी बताऊं, जैसे कि मैंने बताया कि कैटरपिलर बटरफ्लाई हो सकता है, और एक ब्यूटीफुल एग्जांपल आप इसी, आप एक चीज और ले लीजिए. आप क्या किसी बीज को ये पता है, क्या किसी बीज को ये पता है कि वो एक दिन एक पौधा बन सकता है? ये उसको पता है. ये कैसे उसको पता लगता है, क्या होता है उसके साथ? जब आप बीज को
मिट्टी में डालते हैं तो पानी उसको जाता है, ठीक है। होता यह है कि जो बीज होता है, बीज का जो ऊपरी खोल है, जो अपर कवर है, ठीक है, उसको वो टीयर होती है और वहां से अंकुरण पैदा होता है, अंडरस्टैंड, और वो जमीन के बाहर तक आ जाता है। उसकी हिम्मत देख रहे हैं आप, बीज की हिम्मत देखते हैं आप, जब उसे पोषण मिलता है तो वो जमीन मट्टी को, मट्टी से बाहर निकलता है, उसमें से जगह बना लेता है अपने लिए और बाहर आता है। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, ये अपने आप में बीज से पौधे का अंकुरण होना अपने आप में एक इनलाइटमेंट है। कैटरपिलर का बटरफ्लाई बन जाना अपने आप में इनलाइटमेंट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ऐसा एक इनलाइटमेंट बोल दीजिए, इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन बोल दीजिए, जागना बोल दीजिए, अवेकनिंग बोल दीजिए, निर्वाण बोल दीजिए, ठीक है, ये सारी वो इवेंट्स है। तो आप ध्यान में रखिएगा, लाइफ हमारी हमेशा इनसाइड आउट है, अंदर से बाहर की तरफ। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बाहर आपके, अगर आपके साथ किसी के, आपके किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप इसको बाहर क्यों नहीं सुलझाते हैं? आप अपने ब्रेन में क्या को डिस्कस कर रहे हैं? बाहर की बात है ना, तो बाहर उठ जाओ, लेकिन आप बाहर नहीं सुलझा सकते क्योंकि वो इनसाइड आउट है। जब तक आप सोचेंगे नहीं कोई चीज, जब तक आप कोई चीज सोचेंगे नहीं, वो अंदर एग्जीक्यूट नहीं होती है। एक चीज मुझे और याद आ रही है, एक बहुत बड़े आप स्पिरिचुअल टीचर हैं, बायरन केटी, इसके आप उनके आप वो देखिएगा, कोर्स देखिएगा, बहुत बेहतरीन कोर्स होते हैं। उन्होंने ये बात देखी है, प्रॉब्लम इज इमेजिन, प्रॉब्लम को इमेजिन किया जाता है। अगर आप इमेजिन ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको टेस्ट करके देखना। जब तक आप सोचोगे नहीं, प्रॉब्लम तुम पे हावी नहीं हो सकती, देख लो। जब तक आप सोचोगे नहीं, बाहर वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कहे, लेकिन अगर वो तुम्हारे भीतर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो तुम मास्टर हुए थे, तुम मास्टर हो उस समय फिर, यू आर द किंग। क्यों? क्योंकि वो तुमसे पूछ के एग्जीक्यूट होगा, बिना तुमसे पूछे नहीं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, बाहर कुछ होता है, अंदर एकदम बहुत सब कुछ बिगड़ जाता है मेरा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि लाइफ इनसाइड आउट आप जीते हैं, आउटसाइड इन कुछ नहीं होता। वो सारा डेटा है केवल एक तरह का, जो माइंड को चाहिए, लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो इनसाइड आउट होती है। अब चलते हैं इसके आगे, बेस्ट मेटाफर कौन कौन से जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, ब्रेन एज ए हार्डवेयर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, इसको जस्ट रिवाइज करें। हम ब्रेन को कैसे देखते हैं, हार्डवेयर की तरह है। इसमें क्या है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, ठीक है। माइंड एज ए सॉफ्टवेयर, माइंड को आप छू नहीं सकते। मैं आपसे बोलूं थॉट छू लो, अच्छा एक थॉट है उसको टच करके देखो वो कैसा लगता है, थॉट आप छू नहीं सकते। कोई आपसे पूछे थॉट आता कहां से, वो भी नहीं आप बता पाओगे। मैं पूछूं माइंड का सोर्स क्या है, वो बताना बहुत मुश्किल, ठीक है, वो बताना बहुत मुश्किल चीज है। मुश्किल इसलिए हो रहा है मैं बताता, क्योंकि मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए गॉड के बारे में, तो आप क्या बताओगे, अभी कहां है और कहां नहीं है, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेनेशन में आप डाल नहीं सकते, आप उसको एक्सपीरियंस की तरह आप कोट नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, गॉड इज नॉट एन एक्सपीरियंस, इट इज बियॉन्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। लर्निंग एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, जो भी माइंड में, जो भी सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं आप, ठीक है। तो उसको आप लर्निंग की तरह लीजिए, इसको हमेशा याद रखिएगा। और एजुकेशन एज एन आउटकम, लर्निंग आउटकम, कुछ लोग उल्टा ही बोल देते हैं इसको, ये हम शिक्षा ले रहे हैं कुछ सीखने के लिए, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूं कि जो लर्निंग है उसका जो आउटकम है वो है एजुकेशन। तो ध्यान रखिए, ब्रेन एज ए हार्डवेयर, माइंड एज ए सॉफ्टवेयर, लर्निंग एज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, और एजुकेशन एज एन आउटकम, ठीक है। व्हाट इज न्यूरोसाइंस, हमने बार बार इसको पढ़ा है, इसमें बता देते हैं कि इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है,
और न्यूरोसाइंस आया कहाँ से, इसकी फाइंडिंग्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसकी फाइंडिंग्स हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये हमारी लाइफ को बेटर बनाने में यूजफुल है। हमें कहाँ से पता चला कि न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसी कोई चीज होती है, कि कोई एक्सपीरियंस ब्रेन के न्यूरॉन्स को, के स्ट्रक्चर को, उसके इंटरकनेक्शन को इफेक्ट कर सकता है। ये कब पता चला हमें, जब हमारी स्टडी चली न्यूरॉन्स के बेसिस पे, जब स्टडी चली तो हमें पता चला कि ऐसा भी पॉसिबल है। अब तब हमें पता चला कि हमारा, हम जो डेवलप हुए हैं सिंगल सेल से लेकर मल्टीपल सेल, तो ये जो रिवोल्यूशन हुआ है, जो इवोल्यूशन हुआ है एक तरह का, वो किस तरीके से हुआ कि लगातार ब्रेन हमारा शेपअप होता हुआ आया है, एक दिन में नहीं हो गया, इससे पूरा टाइम लगा है। तो इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर न्यूरोसाइंस की बात हम करेंगे तो बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए, जिसको इसके बारे में हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर है। न्यूरॉन होता है, ठीक है, नर्व सेल होता है एक तरह का, एक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं इसको। डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं इनपुट की तरह, और ये सेल बॉडी होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये एक्सॉन हो गया, इसमें जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में होता है, और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल का टर्मिनेशन होता है, और यहाँ पर नए जो आपके पास दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट से ये जुड़ जाता है। तो ये काम है कनेक्शन का, एक तरह का वायर आप मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद है बेसिक्स ऑफ न्यूरोसाइंस पार्ट टू में हम लोगों ने डिस्कस ये किया था, क्या डिस्कस किया था कि ब्रेन मिस्टीरियस क्यों है, ब्रेन इतना मिस्टीरियस क्यों है, ब्रेन इतना अनफोल्ड क्यों नहीं हो रहा, अनफोल्ड कहां से होगा भाई, कितनी जल्दी हो जाएगा, 3 पाउंड का डिवाइस, 3 पाउंड का, 1.66 kg और 85 बिलियन नर्व सेल्स है, यानी कि 8500 करोड़ नर्व सेल्स है इसमें, कैसे आप इसको डीकोड कर लोगे, इसकी फंक्शनिंग को पूरी एकदम, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1.36 केजी में 85 बिलियन नर्व सेल्स आ रहे हैं, हर नर्व सेल पार्टिसिपेट कर रहा है कनेक्शन बनाने में। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री मान लीजिए आप इसको, और कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रेन अपने आप में दुनिया, मैं खुद ही कह रहा हूं उसका, ब्रेन इटसेल्फ इज ए यूनिवर्स, इसको मैं और अच्छे से बोलूं तो ये होगा यू आर ए यूनिवर्स, अपने आप में यूनिवर्स है आप, अभी पता ही नहीं कितनी चीजें अभी अंदर है जो अनफोल्ड होना बाकी है, इसके बारे में अभी अब तक कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ब्रेन अपने आप में एक यूनिवर्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसके बाद हमने देखा था कि जो न्यूरॉन्स है कैसे आपस में बात करते हैं, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, हमारे बीच में मीडियम होता है ना, मैकेनिकल मीडियम होता है, साउंड एज ए मैकेनिकल वेव, वैसे ही दो न्यूरॉन्स के बीच में एक रास्ता होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिनेप्स, दो न्यूरॉन के बीच में सिनेप्स होता है, रास्ता होता है, और उसके बीच में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में बात करते हैं। कैसे बात करते हैं उसको जरा समझ लेते हैं। देखो इसमें बात कैसे करेंगे वो आप देखिए, जो पहला न्यूरॉन होता है उसका जो एक्शन पोटेंशियल है, उस एक्शन पोटेंशियल के जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है वहां पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, आपको पता ना न्यूरोट्रांसमीटर, मैंने आपको बताया था एक तरीके केमिकल मैसेंजर्स है, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो इंफॉर्मेशन पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की साइड में ले जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन में फायरिंग को क्रिएट करते हैं, कारण बनते हैं फायरिंग का, यानी कि एक न्यूरॉन से फायरिंग दूसरे न्यूरॉन में चली जाती है और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर पार्टिसिपेट करते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में दो तरह के आप सिग्नल देख सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल फॉर्म में, और एक होता है आपके पास केमिकल सिग्नल, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल मैसेंजर भी बोल सकते हैं आप इसको, यानी कि दो सिनेप्स के बीच में कौन सा सिग्नल है, एक तरह का केमिकल सिग्नल है ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर, बाकी एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे फ्लो हो रहा है, एक्सॉन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो यहां से इस साइड में मूव हो रहे हैं, ये रिसेप्टर्स हैं जो इसको पिक करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या थी समरी ऑफ कम्युनिकेशन, यही था जो केमिकल मैसेंजर्स हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर हो रहे हैं, ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है केमिकल मैसेंजर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर लीव द एंड ऑफ वन नर्व सेल जंप अक्रॉस अ गैप टू स्टिमुलेट द नेक्स्ट नर्व सेल, ये वाला ये जो जो
एक ये न्यूरॉन मान लीजिए, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है, या न्यूरोट्रांसमीटर जाते ही तरह का केमिकल सिग्नल होता है और इसको फायर कर देता है, तो ये अपना इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को दे देता है। ये हमारे पूरे ब्रेन में अभी भी यही चल रहा है न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद एक चीज हमने डिस्कस की थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसका जो सार था, जो इसका आप समझ लीजिए बेसिक है, वो ये है कि लर्निंग रिवाइज द ब्रेन। जब भी हमें कोई एक्सपीरियंस मिलता है वो हमारे ब्रेन को शेपअप करता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इस कोर्स में आप एक लाइन भी ये भी लेके जाओ, अगर आप एक लाइन ये भी लेके जाओ, केवल एक लाइन में कह रहा हूं, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि आपका एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को बनाता है, आपके ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है, वही बात ये कह रहे हैं कि लर्निंग रिवाइज द ब्रेन, ठीक है। अब चलते हैं इसमें आगे। सोशल ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था हमने कि सोशल ब्रेन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें, तो इसमें एक सीधी सीधी सी बात आप समझ लीजिए इस बात को कि हमारा जो ब्रेन का इवोल्यूशन हुआ है, सिंगल सेल से मल्टीपल सेल, हमारे एक्सपीरियंस ने हमारे ब्रेन को बनाया है, हमारा ब्रेन उसी हिसाब से शेपअप होता आया है। तो हुआ क्या है कि एक बेसिक चीज क्या है, क्योंकि हम आउटर लेवल पर दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो एक इंटरैक्टिव ब्रेन जिसको मैं बोल रहा हूं सोशल ब्रेन की तरह डेवलप हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम ये बताया गया कि सालों पहले हम लोग हमेशा अकेले नहीं रहे, एक ट्राइब में रहे, एक फैमिली के फॉर्म में रहे, ठीक है। कभी कोई एनिमल हमें प्रॉब्लम ना कर दे, ठीक है, या दो समूह के बीच झगड़ा हो जाए, हम अकेले और हमें कुछ डैमेज कर जाए, तो उससे बचने के लिए हम क्या रहे हैं, झुंड में रहे हैं। झुंड में रहने की वजह से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काफी सोशल हुआ है, इसकी वजह से लगातार ब्रेन जो हमारा है, ब्रेन लगातार चेंज हुआ है सोशली, और ब्रेन का एक पार्ट है जो कि सोशल इंटरेक्शन के लिए डेवलप हो गया है, जिसको मैं कह रहा हूँ सोशल ब्रेन, ठीक है। इसके की पॉइंट जो बेसिकली की पॉइंट्स क्या क्या थे, कॉम्प्लेक्स सुपर नेटवर्क होता है, सोशली इंटरेक्टिंग ब्रेन होता है, ये किस लिए क्रिएट होता है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, ठीक है, और ये क्या क्या चीज़ें बेसिकली क्या क्या चीज़ें रिकॉग्नाइज करेगा, इवेल्युएट करेगा, बेसिकली मेंटल स्टेट्स है, इसमें क्या इंटेंशंस है, डिजायर्स है और बिलीफ्स है, तो ये सोशली सोशल इंटरेक्शन के लिए ब्रेन का एक पार्ट डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं सोशल ब्रेन, ठीक है। बिग क्वेश्चंस क्या आते हैं, शॉर्ट में बात कर लेते हैं, न्यूरोप्लास्टिक प्रोसेसेस हैं, क्या अपने ब्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं, किसके लिए, लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, इमोशनल वेलबींग, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे उस वीडियो में बताया गया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उसको अपनी एक जो मैं एक चीज आपको बताऊं इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब आप किसी के लिए आभार रखते हैं, जब आप फील ऑफ ग्रेटिट्यूड रखते हैं, उसका बहुत बड़ा चेंज आता है। आप इसको करके देखिए, मैं इसको जरूर करता हूं, मैं ग्रेटिट्यूड को यूज करता हूं अपने आप को बहुत साइलेंस बनाने के लिए। अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, थोड़ी चीज भी की है, तो मेरा बहुत आभार रहता है, और इससे सबसे ज्यादा मुझे फायदा पहुंचता है। फील ऑफ ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है किसी ने कुछ किया भूल के कोने में हो गए, आभार प्रकट करना चाहिए। और मैं तो उसके लिए भी बहुत ग्रेटिट्यूड कर देता हूं जो मुझसे बहुत, मुझे लगता है कि मुझसे बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो अच्छे से बात नहीं कर रहा, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, तो अब वो बात मेरे पास है, अब मुझे उसे इनरली कितना प्रोसेस करना है। मैं तो इसलिए ग्रेटिट्यूड शो करता हूं कि ये मेरे लिए अपने आप में क्वेश्चन पेपर है एक तरह का, उसने मुझे क्वेश्चन पेपर दे दिया कि मैं अपने आप को इनरली पॉल्यूट करूंगा कि नहीं करूंगा, तो ये मेरे ऊपर है कि मुझे अपने आप को इनरली पॉल्यूट करना है कि नहीं करना, उसने जो बोलना था वो बोल दिया, ठीक है। तो कई बार वो क्या कहते हैं, एक बात कही गई है, कबीर दास जी भी कहते हैं नीरक निंदक राखिए, जो निंदक होते हैं ना, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं वो आपके आसपास ही रहने चाहिए, बहुत बड़े इंडिकेटर्स हैं वो आपके लिए। ये कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, इसका मतलब चलो पहले अपने आप को रिफाइन कर लूँ, ऐसा कोई गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
निंदक नहीं रहे राखी है। तो बहुत जरूरी है कि आपके पास आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, उससे हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, उससे हमें बेनिफिट लेना है और किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट है, क्या हम अपने आप को बाहर के एक्सपीरियंस से ऐसा इतना स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि छोटी छोटी बातें हमें स्ट्रेस देने ना लगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन भी बच्चे ने पूछा था फर्स्ट डे, मुझे याद आ रहा है, तो उससे रिलेटेड एक दो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वो डिस्कस ये है कि स्ट्रेस क्यों आता है, क्योंकि जनरल डिस्कशन करना जरूरी है, क्यों स्ट्रेस आ रहा है, कहाँ से आ गया स्ट्रेस, ये अंदर, अच्छा स्ट्रेस का फील क्या है, स्ट्रेस जब आपको स्ट्रेस लगता है तो अंदर कैसा लगता है, मैं बताऊँ आपको, बड़ा सफोकेटिंग लगता होगा, जैसे दम घुट रहा है मेरा यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सफोकेशन लगने लगती है, ये आप फील करते होंगे। इसके लिए क्या करेंगे और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैंने इसको क्रिएट कर दिया। कैसे क्रिएट करता हूँ मैं बताऊँ आपको, कोई चीज है मेरे सामने, उसको मैं बोलता हूँ व्हाट इज, जैसी की जैसी रखी है वो, मतलब व्हाट इज है, लेकिन मुझे वैसी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए व्हाट शुड बी, इसको बदलना चाहिए। अब वो बदलता तो नहीं है, बदलता नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको बदलना चाहता हूँ। तो होता क्या है, व्हाट इज माइनस व्हाट शुड बी, इसके बीच का जो अंतर है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, वो एक इनर स्ट्रेस पैदा करता है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे तो वही चाहिए जो मुझे चाहिए, वो व्हाट इज से काम नहीं चलेगा। तो मैं पहले ही अपनी एनर्जी उधर दे देता हूँ दोनों के बीच के डिफरेंस को, और मेरी सारी की सारी एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट में चली जाती है, तो मैं उसको ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर पाता। तो ध्यान रखिए, जब भी व्हाट इज और व्हाट शुड बी में पहले लेवल पर अंतर होगा, आप सफोकेट फील करोगे। सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन ये है, पहले आप एक्सेप्ट करो व्हाट इज है, लड़ना नहीं है, पहले एक्सेप्ट करना है व्हाट इज, मतलब व्हाट इज है प्रॉब्लम, इस तरीके की कुछ चीज आई है तो है, झगड़ूंगा नहीं अभी मैं, अब मैं एक्सेप्ट कर लिया आपने, एनर्जी आपके पास अभी रिज्यूम है, अब एफर्ट करूंगा मैं, कैसा एफर्ट होगा, कैसे मैं व्हाट इज को व्हाट शुड बी करके ले जाऊं, लेकिन इसके बीच में ही मैं सफर हो जाता हूं और उसी में मेरी सारी एनर्जी चले जाती है, और ये सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है। व्हाट इज जब व्हाट शुड बी के बराबर होता है तो इनर स्ट्रेस जीरो होता है, उस समय स्ट्रेस कम से कम होगा और एनर्जी ज्यादा होगी कि आप व्हाट शुड बी को भी अप्रोच कर सके। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, व्हाट इज व्हाट शुड बी के पहले लेवल पे बराबर होना चाहिए, उसके बाद आप एफर्ट करिए, किसी ने आपको बनाने किया। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड मेडिटेशन, मैजिक ऑफ मेडिटेशन, ये मैंने डिस्कस किया था आपसे। इसमें क्या था कि क्या अगर मेडिटेशन को मैं एज एक्सपीरियंस कोट करूं, क्या मेडिटेशन मेरे ब्रेन को शेप अप कर सकता है, और कैसे शेप अप करता है, पता आपको मेडिटेशन की खास बात क्या होती है, ध्यान की खास बात क्या होती है, ध्यान का मतलब होता है अपने साथ बैठना। पूजा में क्या करते हैं आप, आराम से बैठ जाते हैं ना, कोई कहीं कोई शोर होता है उसे बंद कर देते हैं, क्यों बंद कर देते हैं, क्योंकि आपका ध्यान ना चले जाए, आप सोचिएगा इस बात को जरा। इसी तरीके से मेडिटेशन में मैंने आपको ये चीज बताई थी, अगर आप पूजा करते हैं तो आप गॉड को याद करते हैं, लेकिन जब आप ध्यान में होते हैं गॉड आपको याद करता है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो जब आप मेडिटेट करते हैं तो सेल्फ, तुम्हारा सेल्फ तुमको ढूंढ रहा है, सेल्फ ही गॉड है। अब मैं सीधी सीधी बात कर लूं, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है, मैं इतना तोड़ मोड़ के बात करूंगा तो आपसे बोल भी नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। तुम्हारा सेल्फ ही गॉड है, अगर मैं ये बोल दूं, तुम जैसे ही ध्यान में बैठोगे तुम्हारा सेल्फ तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा है, जैसे ही कैटरपिलर कहीं पर भी अपनी सर्च में जाएगी तो उसके अंदर की बटरफ्लाई बाहर निकलने को रेडी है, वो सर्च तो करे, वो कैटरपिलर तय तो करे उसे बटरफ्लाई बनना है, आप ये तय तो करो पहले कि मुझे सेल्फ को सेल्फ बनना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आप ध्यान में बैठोगे, जब भी आप मेडिटेट करोगे, आपका ब्रेन
शेप ले रहा होगा सेल्फ की तरफ। आप समझिएगा मेरी बात को, जब कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है तब आपका ब्रेन शेप हो रहा है बाहर जाने की तरफ, बाहर की कोशिश गड़बड़ हो गई और आपको परेशानी हो रही है। लेकिन जब आप मेडिटेट करते हैं आपका ब्रेन आपका माइंड भीतर जाने के लिए, भीतर जाने के लिए अपने आप को तैयार करता है, अपने सेल्फ, उसका जो सेल्फ है वो खुद ही अप्रोच करता है उसको कि तुम आओ। तो ये जो बात हो रही है इन ट्रांसफॉर्मेशन की, इसमें किसी भी तरह की शिफ्टिंग क्या है जानते हो, शिफ्टिंग कुछ नहीं है, शिफ्टिंग ये है कि जब तुम साइलेंस में बैठते हो, जब अपनी अपना रियल सर्च, रियल सेल्फ को सर्च करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा रियल सेल्फ खुद तुम्हें अप्रोच करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम केवल जो जो तुम्हारे मन में बाजार है उसको बाहर छोड़ दो, तुम जरा वो खुद आके तुम्हें भर देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपने आप को खाली करो, वो खुद आके तुम्हें भरेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें बात चलते हैं आगे। एक क्लास टीचिंग के बारे में मैंने बात की थी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? हेलो साउंड क्लियर है? Yes, आ रही है ना? ठीक है। एक चीज मैंने आपसे डिस्कस की थी, उसमें ये था कि मैं क्लास टीचिंग में कैसी किस तरह का व्यू पॉइंट यूज करता हूँ। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, ये चीज सोशल थिंकिंग को मैं चाहता भी हूँ कि आप यूज करें, लेकिन सोशल थिंकिंग आपकी पॉल्यूटेड नहीं होनी चाहिए कि आपको सफर करके ले जाए। मैं जब क्लास में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो मैं रियल टाइम एग्जाम्पल्स इंटरेक्टिव होकर बात करने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा बात और ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन उनके स्टूडेंट के सोशल ब्रेन से कर सकूं और लर्निंग क्रिएट कर सकूं। तो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं स्टूडेंट का सोशल ब्रेन थ्रू सोशल थिंकिंग, बजाय उसके कि मैं एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करूं ज्यादा कि कौन सी मैथमेटिक्स यूज हो रही है, कैसे हो रही है, और कोई कनेक्शन नहीं है उसमें तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल भाषा में देख लेंगे कि एजुकेशनल न्यूरोसाइंस क्या थी। इसमें कुछ नहीं किया हम लोगों ने, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं किया है। सिंपल बात समझ लेते हैं कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन में रेवोल्यूशन पॉसिबल हो चुका है, बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा है ये बात, कि जो भी साइंटिफिक फाइंडिंग्स मिल रही हैं, जैसे कि मैंने किसको यूज किया है, न्यूरोसाइंस फाइंडिंग्स को यूज करके एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाना एक एजुकेशनल न्यूरोसाइंस कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा, एजुकेशन न्यूरोसाइंस कोई नई चीज की बात, मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि एजुकेशन में एक तरह का रेवोल्यूशन है एजुकेशन न्यूरोसाइंस। उसमें क्या करेंगे हम, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए न्यूरोसाइंस की फाइंडिंग्स का यूज कर सकते हैं। इसको मैं बोल रहा हूँ एजुकेशनल न्यूरोसाइंस। ठीक है, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर बोल लीजिए या बोल लीजिए डोपामाइन, एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन बोल लीजिए, ये क्या था बेसिकली, ये था क्या, ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर, एक तरह का केमिकल था। ठीक है, वो केमिकल क्या करता है, एक तरह का दोनों के मतलब दोनों न्यूरॉन्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसमें एज ए केमिकल मैसेज मैसेंजर की तरह काम करता है। लेकिन ये जो डोपामाइन लेवल है, अगर इसका डोपामाइन लेवल घटता है तो आपको रिवार्ड वाली फीलिंग नहीं बनी रहती, उससे क्या होता है, उससे आपको अच्छा फील नहीं होगा, आप खुश महसूस नहीं करेंगे। लेकिन इस डोपामाइन लेवल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मेडिटेशन है और बहुत सारी तरह की चीजें हैं, अपना जो फूड हैबिट चेंज करके एक्सरसाइज से आप डोपामाइन लेवल यूज कर सकते हैं, आप बहुत सारे सप्लीमेंट्स है जैसे अश्वगंधा है उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डोपामाइन, डोपामाइन एक तरह का आप हार्मोन बोल लीजिए या आप बोल सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि आपका जो इनर एम्बियंस है वो बेटर बना के रखता है, एक रिवार्ड वाली फीलिंग रहती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो डोपामाइन है वो रिलेटेड है कि क्या चीज आपको अभी रिवार्ड मिलने वाली है, उसके साथ आपको कनेक्ट करता है। तो आप कैसा फील करते हो, आप बहुत अच्छा फील करते हो, यार ये काम करेंगे तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक डोपामाइन लेवल इन्फ्लुएंस होता है कि अगर आपको कुछ आपके साथ बेटर होने वाली चीज है तो वो एक तरह के रिवार्ड से कनेक्टेड चीज है। ठीक हो क्या, जैसे कि इसमें लिखा है ना, द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ रिवार्ड,
the pleasure you experience, or the value of an action via feedback, the motivation to reach for that pleasurable stimulus. ठीक है, एक लाइन में समझिए, डोपामाइन लेवल इन्फ्लुएंस होता है आपके मिलने वाले जो फील है कि आप उनको रिवार्ड मिलने वाला, उससे ये इफेक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें बात की थी डोपामाइन और मोटिवेशन, सिंपल सी बात है, वही चीज है, आप यूज करते हैं, आप मोटिवेशन, आप बेसिकली जो आपका डोपामाइन लेवल है और वो आप किस तरीके से चीजों को लेते हैं, कितने मोटिवेटिंग फॉर्म में ले रहे हैं, कितना आप वो कितने इन्वॉल्व हैं किसी चीज में। ठीक है, वो इसी चीज को कितना मोटिवेट कर रही है, कितना इंस्पायर कर रही है, वो आपके डोपामाइन लेवल को इनरिच करता है। ठीक है, इसमें हमने बात, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस की कि 7 में बूस्टर्स आप यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन है, स्लीप है, और म्यूजिक है, और सप्लीमेंट, ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। इसके बाद मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस की थी इमोशन, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करूंगा। ठीक है, फास्ट प्रोसेस में ये था कि इमोशंस क्या है, लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन है, सिंपल, ब्रेन रिस्पॉन्सेस थ्रू बॉडी, इसके बारे में हमने बात की थी। माइंड और बॉडी कनेक्शंस में, माइंड होती है बॉडी को इफेक्ट करती है, और बॉडी में कुछ होने वाले दोबारा माइंड को इफेक्ट करने लगते हैं, तो एक तरह का कोरिलेशन क्रिएट है, किस किस में, थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव और एटीट्यूड में। ठीक है ना, वो आपकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं। उसी तरीके से अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं और या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बेसिकली, या योगा कर रहे हैं, इससे आपका जो माइंड है वो आपको लगेगा बड़ा काम सा हो गया। इसका मतलब देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन माइंड बॉडी। ठीक है, इसके बाद एक लिंक है, इसको एक लाइन में समझेंगे कि एक केमिकल लैंग्वेज है, किस किस के बीच में है, माइंड और बॉडी के बीच में, देयर इज अ लिंक बिटवीन माइंड एंड बॉडी। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक एग्जाम्पल भी, जब भी आपको बहुत इरिटेशन फीलिंग हो रही है या बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा एंग्जियस भी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे देयर इज अ बॉडीली चेंज, आपको इसमें भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपका स्टमक है, बड़ा टाइटन फील करेगा, तो वो माइंड में रहा है लेकिन बॉडी इफेक्ट हो रही है, तो ये दोनों के बीच के कनेक्शन को बता रहा है। ठीक है, इसको भी पहले डिस्कस किया हमने, माइंड बॉडी कनेक्शन में स्ट्रेस का रोल, स्ट्रेस एक तरह का एविडेंस है जो माइंड और बॉडी के कनेक्शन को बताता है। इसमें ये बताया था कि अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो जो आपका इम्यून लेवल है बॉडी का वो घट जाता है। ठीक है, और एक थी बात मेडिटेशन की, मेडिटेशन इफेक्ट करता है, एज ए थेरेपी आप मेडिटेशन को मान सकते हैं, और ये जो मेडिटेशन है आपको इनरिच कर सकता है आपके माइंड को, आप अच्छा फील कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, इस पर मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, इसलिए मैंने 2-3 जो स्लाइड्स है बहुत तेजी से करने की कोशिश की, वो है व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। ये जो कोर्स है, इस कोर्स के जरिए मैं आपसे चाहता क्या हूं, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है मेरी इस चीज को लेकर, कि आप क्या चीजें करें, क्या चीजें फॉलो करें, इससे अपनी लाइफ को आप बेटर बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर इसको मैं यहाँ पर सम अप करना चाहूँ, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस लूंगा और फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप, दो तरह की जर्नीज हैं, एक तो है बाहर, इसमें सीधी सीधी बात कर लेते हैं, आप मानिए कि बाहर कोई प्रॉब्लम आती है एक्स वाई जेड, या तो आप उसका सलूशन बाहर देखना चालू कर दो, लोगों को ब्लेम करना चालू कर दो, तो इसमें है क्या, इरिटेशन है, ब्लेम है, परेशानियां हैं, इफ एंड बट्स हैं। एक रास्ता तो है बाहर जाने का, लेकिन एक रास्ता है भीतर आने का, इसको बोलते हैं इनर जर्नी, अंदर की तरफ। तो पहले आप ये तय कर लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं बाहर रास्ता बाद में है या है नहीं, सारे रास्ते भीतर इनर है। तो सबसे पहले तो अपनी डायरेक्शन, मैं जो चाहता हूं, मैं एक एक पॉइंट करके बता रहा हूं आपको। पहला पॉइंट यह है कि आप जर्नी शुरू करिए, इसको बोलते हैं इनर जर्नी,
भीतर की तरफ। कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली बात प्रॉब्लम को आप रिप्लेस करिए, पहले प्रॉब्लम वर्ड को ही रिप्लेस करिए एज ए एक्सटर्नल सिचुएशन। आज के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए क्या है वो जानते हैं, एक्सटर्नल सिचुएशन। कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इक्वल टू एक्सटर्नल सिचुएशन। सिचुएशन है, सिचुएशन कहाँ है, बाहर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सटर्नल प्रॉब्लम है बाहर, कोई इशू नहीं। अब क्या मैं इसका सोल्यूशन बाहर ही ढूंढ लूं, उसको उसने मुझे गाली दी, मैं गाली देके खत्म करूं उसको, मुझे झंझट तो पढ़ना ही नहीं है कुछ। कहां इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन और क्या, वो इतनी लंबी चौड़ी बातें थकाने वाली है। जहां मैं कह रहा हूं कि इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन है, इनर जर्नी, अपने आप को रीबर्थ करना, अपने आप को इन्वेंट करना। तो आपने इतनी इतने दिनों तो आपने बाहर जाके देख लिया, आप एक बार भीतर जाके देखो, बहुत बहुत सारी जर्नीज होगी बाहर की तरफ, कितना भागोगे तुम बाहर। एक बार तुम इनर जर्नी शुरू करो। कोई प्रॉब्लम आती है उस पर कोई जजमेंट मत लो, ठीक है। प्रॉब्लम आई, पहले अपने आप को चेक कर लो कि तुम एलिजिबल भी हो उसकी बात का जवाब देने के लिए। तो एलिजिबल तो हो नहीं पाते, सबसे पहले सफर हो जाते, ये समझने वाली बात है। मेरा सबसे पहला आंसर होता है प्रॉब्लम का, सफरिंग, पहले सफर हो जाओ, और उसके बाद सफर के बाद एनर्जी सारी सफरिंग में चलेगी। अब बची कुछ ही एनर्जी से मैं अपने अपने आप को संभालता हूँ, और उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसे जवाब देता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि सारा का सारा अपनी एनर्जी को, एनर्जी लगाइए जवाब देने में। आप जवाब देना है आपको, लेकिन अपने आप को चेक करिए, कोई ऐसी चीज तो नहीं कि मुझे सफर कर रही है। तो पहली मैं आपसे चाहता हूं कि आप इनर जर्नी के को शुरू करें। ये किसी भी लर्निंग एजुकेशन, लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए सबसे पहली बात है, इनर जर्नी को शुरू करिए। कैसे शुरू कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा 1 आवर दीजिए अपने आप को, ठीक है, और शुरुआत करिए यहां से कि मुझे तय कर लीजिए 24 घंटे में से 1 घंटा मुझे अपने आप को देना है। मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं आराम से अपने साथ बिताऊंगा 1 घंटा। कोई सिस्टर, ब्रदर, मम्मी, पापा, कोई नहीं, कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं, अपने सेल्फ के साथ बैठिए और सर्च करिए बटरफ्लाई कहां पर है, कब मैं बटरफ्लाई होऊंगा और कब मेरे पंख मुझे पता चलेंगे, मेरे पंख भी हैं जो अब तक मुझे पता नहीं चल रहे, इसलिए मैं रेंग रहा हूं जमीन पर। छोटी छोटी बातें मुझे इतना हैवी कर देती हैं कि मैं बिल्कुल मट्टी में लेट जाता हूं, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। कब मुझे पता चलेगा कि मेरे भी पंख हैं, मैं भी उड़ सकता हूं। तो पहली बात ध्यान रखिए, इनर जर्नी को शुरू करिए, इधर टाइम देना शुरू करिए। मैं आपको गारंटी बताता हूँ, मैंने 15-16 साल टीचिंग की है, पिछले 5 सालों से मेरी लाइफ में चेंज है, केवल ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। तो वो नहीं कह रहा कि मुझे ज्ञान हो गया बहुत बड़ा, बिल्कुल नहीं, मैं भी आपकी तरह भटक रहा हूँ, मुझे भी पसंद है ये बात जानना। लेकिन मैं टाइम देना जब शुरू किया 5 साल पहले, तो मुझे खुद लगा कि मेरी टीचिंग भी इम्प्रूव हो रही है, मैं स्टूडेंट के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं भी शांति के साथ बैठ सकता हूँ, मैं भी अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता हूँ बिना सफरिंग किए, ठीक है। तो पहला तो आप ये देखिए, दूसरी पॉइंट आप देखिए, बाहर से प्रॉब्लम शब्द को रिप्लेस करिए एक्सटर्नल सिचुएशन। प्रॉब्लम आए मतलब एक्सटर्नल सिचुएशन है भी, ऐसा नहीं कि हमें दबा के ले जाएगा कोई, एक्सटर्नल सिचुएशन है, ठीक है, एक्सेप्ट करिए। और तीसरा पॉइंट है, आप व्हाट इज, अपने आप को व्हाट इज की तरह व्हाट इज को एक्सेप्ट करना सीखिए। व्हाट शुड भी आप करेंगे, आप जो चाहते हैं वो करेंगे, किसने मना किया आपको, किसने रोका है क्या, आपकी सारी डिजायर्स आप फुलफिल करिए, किसने मना नहीं किया आपको। जब आप दूर से कहीं ये जान लेंगे, जब आराम से ये बात समझ लेंगे कि व्हाट इज होने में मेरी एनर्जी सेव हो रही है, मैं अपनी एनर्जी को सेव कर पाता हूं जो व्हाट इज है उसको एक्सेप्ट करने में,
और अब मैं अपनी डिजायर्स लाता हूँ कि हाँ ये काम मुझे करना है। उसके बीच का जो गैप है व्हाट इज और व्हाट शुड बी, वो पहले क्रिएट नहीं करना है, समझ लगा देनी है पूरी की पूरी व्हाट इज में, और उसके बाद मुझे शुरुआत करनी है किधर किधर जाना है कि अब मुझे चाहिए क्या। ठीक है, एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है तो मैं आपसे शेयर करूं, साधु गुरु जी का स्टेटमेंट है कि डिजायर्स इनफाइनाइट है, कभी खत्म भी नहीं होती है। डिजायर्स मतलब एक बाल्टी है जिसकी पेंदी नहीं है, आप डाले आप भरने के लिए डालते जाओ पानी, पानी भरेगा नहीं। लेकिन लेकिन वो अब ये कहते हैं कि जब मुझे पता है इसका नेचर क्या है, अब मैं इसके साथ खेल सकता हूं। कैसे खेलना है, मुझे पता है हर डिजायर एंडलेस है तो कोई बात नहीं है। जब आपको नेचर पता होगा ना तब आप उसके साथ जा सकते हो, लेकिन आपको नेचर ही नहीं पता है तो दिक्कत वाली बात है। तो आप डिजायर को ये मत समझिएगा कि इसके बाद दूसरी डिजायर नहीं आएगी, उसके बाद भी आएगी, उसके बाद भी आएगी। व्हेन यू नो द नेचर, जब आप किसी की प्रकृति समझते हो, जब आप किसी का नेचर समझते हो, तब आप उसके साथ खेल सकते हो। तो इसमें खेलने की जरूरत है, अपनी डिजायर के साथ खेलने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है डिजायर मुझे सफोकेट करके ले जा रही है। और ये ध्यान रखिएगा, डिजायर खत्म नहीं होगी, खास बात इसकी ही होती है, सबसे पहला वर्चू है डिजायर खत्म नहीं होगी, एक के बाद दूसरी आएगी, दूसरे के बाद तीसरी आएगी। यही हमारे जीवन का प्रोसेस होता है। लेकिन हमें क्या होता है कि ये भर क्यों नहीं रही है, ये भर क्यों नहीं रही है, लेकिन जो ये जानते हैं ये भरेगा नहीं, वो इसके साथ एंजॉय करते हैं। तो साधु गुरु जी तो यही कह रहे हैं कि इसके साथ आप एंजॉय करो, आपको पता है ये इन्फिनिट है, ये भरने वाली नहीं है, कोई बात नहीं है, नेचर जान गए तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में आपसे बोलना चाहता हूं कि एक स्टेटमेंट है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है माइंड और थॉट को लेकर, जिसको मैंने बार बार बोला है। मैं अगर आपसे बोलूं यू आर नॉट ए माइंड, तो आप कहेंगे सब कुछ तो माइंड से हो रहा है, मैं जो सोच रहा हूं सारी चीजें। बात सोचने की नहीं है, बात है आइडेंटिफाई करने की। तो प्लीज डोंट आइडेंटिफाई विथ योर माइंड, जो जो भी माइंड ने कह दिया वो ब्लाइंडली नहीं मान लेना है। अपने जो तुम्हारा माइंड का मतलब आप समझ सकते हैं, माइंड को अगर मैं बोल दूं थॉट तो बात बराबर ही है, माइंड मतलब थॉट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स हैं उसमें, ठीक है। तो कोई अगर माइंड थॉट जनरेट करता है तो ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट नहीं कर लेना है, क्योंकि हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस है वो खुद ही बोल रहे हैं कि माइंड इज ए फॉरेन पार्टिकल, थॉट इज ए फॉरेन पार्टिकल। जो फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर है अभी, जिसके थ्रू हम मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन केवल माइंड के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि माइंड क्या करता है, चीजों को तोड़ के देखता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप माइंड को एज ए फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करना शुरू करें। जो भी थॉट हो गया ब्लाइंडली उसके पीछे मत निकल जाओ, यार ये थॉट है, अब जो इसने कह दिया वही मान लेना, नहीं। सबसे पहले जब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते, तब तक जब तक आप विटनेस नहीं कर पाते माइंड और थॉट को, आप थोड़ा सा संशय कर सकते हैं। संशय मतलब, जी जी मैम, सर मैं एग्जिट कर सकती हूँ, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। जी जी मैम, प्लीज आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा सर। मैम कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, प्लीज सर, प्लीज। ओके सर, ठीक है। अभी जितने भी स्टूडेंट है, और अगर मेरी आवाज नहीं आती है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कि मेरी आवाज नहीं आ रही कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि हर्षित मैम चली गई है, तो कोई अगर मेरी आवाज नहीं आ रही, कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके मुझे बता सकता है कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूं, और अभी हमारे पास जितना भी टाइम बचा है उसके बाद मैं थोड़े से क्वेश्चन भी लूंगा आपसे, क्योंकि ये लास्ट डे है और हम कोशिश करेंगे कि अपनी बात को रख सके अच्छे से। बेटा स्क्रीन आ रही है क्या, स्क्रीन आ रही है, एनीवन, स्क्रीन शो हो रही है,
मनीष सर हाँ सर हो रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है? सर ठीक है सर। ओके, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइंड के साथ आइडेंटिफाई ना करना। माइंड के साथ आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, थॉट की सारी बातें मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये जो मैंने चार पांच चीजें बताई हैं, इसको आप फॉलो करिए और अपने को टाइम दीजिए और एक इनर जर्नी की शुरुआत करिए। उसके बाद इसमें आप न्यूरोसाइंस की फाइंडिंग्स हैं, आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आराम से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्कशन और क्यूरीज में आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंकिंग यू। और अब मैं जा रहा हूँ चैट बॉक्स में और कुछ चीजें मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। अगर कोई सवाल होगा मैं देखता हूँ चैट बॉक्स में सवाल। ठीक, तो एक चीज और है, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आप भर लीजिएगा और बहुत केयरफुली ये फॉर्म भरिएगा। एक तरह का ये फीडबैक फॉर्म है और इस फीडबैक फॉर्म में आप बेसिकली सारी चीजें दी गई हैं और कोर्स को रेट भी कर सकते हैं आप इसमें। और जो भी ईमेल आईडीज मेरे पास आएंगे उनको मैं मटेरियल भेजूंगा, ठीक है। और उसके बाद आज मैं रात में आपको ये वाली स्लाइड भेज सकता हूँ या कुछ और भेज सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप एक लर्निंग शीट आप मुझे बना के दें। मैं ये मान के चल रहा हूँ कम से कम पर डे के हिसाब से देखें तो 5 पेजेस की आप कर लीजिए, या आप इसमें पूरी एक टोटल समरी भी लिख सकते हैं। पूरे कोर्स की समरी लिखना चाहते हैं आप सिर्फ समरी लिख दीजिए, या फिर डे वाइज करके 5-5 पॉइंट लिख दीजिए आप, डे 1 के 5 पॉइंट, डे 2 के 5 पॉइंट, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। और जैसे जैसे आप मुझे और जो मेरा ईमेल आईडी है जिसके जिसके थ्रू आपके पास पहुंचेगी इंफॉर्मेशन, उसी पर आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। इसको आप हैंड रिटर्न कर सकते हैं, आप मुझे हैंड रिटर्न कर दीजिए। आप अगर कहीं से इसका मतलब कि मैटर लेना चाह रहे हैं और पीडीएफ फाइल बना के भेजना चाह रहे हैं तो पीडीएफ फाइल बना के भेज सकते हैं, ठीक है। ऊपर जो होगा, ऊपर कोर्स का नाम होगा और उसके नीचे लिखा होगा लर्निंग शीट और उस पर आप सारा डेटा दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि काफी चीजें मैंने इसमें कही हैं आपको शुरू से अंत तक, और कोशिश की है कि मैं अपनी बात को समझा सकूं। और मैं यही कहूंगा कि अभी हमारे पास 15-20 मिनट हैं, तो प्लीज आपको कोई सवाल है तो वो जरूर पूछिए। और मेरी कोशिश ये है और मेरी लाइफ का गोल जो है, मेरी लाइफ का गोल ये है कि कैसे मैं मेंटल हेल्थ पे बात कर सकता हूँ, अपने आप समझ सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, स्पेशली अपने स्टूडेंट को बता सकता हूँ। कि मेरे लिए, क्योंकि ये बड़ा ही मेरे लिए भी पीड़ा होती है इस बात की, जब मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट आते हैं, डिस्कशन चलता है, तो वो भी बोलते हैं कि सर ये चीज़ें इतनी भारी लग रही हैं, इसमें इतना स्ट्रेस हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, एग्जाम्स को देख रहा हूँ कि रात रात भर वो इतना जग रहे हैं, स्टडी पहले से शेड्यूल नहीं हो पाई। तो ये जो लाइफ पैटर्न है इसको बदलने की जरूरत है मेरे हिसाब से। तो मौज मस्ती करिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सीधी सीधी बात ये है, मैं चाहता हूँ कि आप इनरली चीज़ों को देखना शुरुआत करें, आप उसकी शुरुआत करिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत करिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप इस बात को मानिए कि आप कैटरपिलर नहीं हैं, आप बटरफ्लाई हैं और आप उड़ सकते हैं, आप हल्की हो सकते हैं और कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब करके ना जाए, इसकी आप पूरी पूरी कोशिश करिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि संभव है। मेरे 5 साल का अनुभव है, ज़्यादा नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब सारी चीज़ें जान गया हूँ, लेकिन मैंने जब टाइम दिया है तो मैंने चीज़ों को समझा है फिर कि हाँ इसमें कुछ बेटर हो सकता है, बहुत बेटर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हम बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पिछले आज को मिला के ये 6वां दिन है, कोशिश रही इस कोर्स के जरिए कि न्यूरोसाइंस की फाइंडिंग्स को मैं अप्लाई कर सकूँ आपकी लाइफ को बेटर बनाने में, आपकी लर्निंग को इनरिच करने में, आपकी एजुकेशन को इनरिच करने में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेटर बन सके। आप कभी बाहर जाएं जॉब करने के लिए तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए, मतलब अगर अगर आप इसे भाषण की तरह लेंगे, आप लेंगे कि ये तो मोरल लेक्चर्स हो रहे हैं, तो फिर इसका कोई मतलब बनता नहीं है। बात मोरल लेक्चरिंग की तो है ही नहीं, मोरल लेक्चरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ से कोई सफरिंग हो रही है, अगर आप आपका सोचने समझने का तरीका सही नहीं जा रहा, तो इस पर बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। और लाइफ के किसी भी पॉइंट पर, ये नहीं यहाँ पर नहीं, इसी बात पर नहीं, आप चाहे सेकंड ईयर हो, सेकंड ईयर से हैं, लेकिन बात सारी है, आप जॉब करने जाएंगे मार्केट में, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए कि
बड़े बड़े चैलेंजेस हो जाते हैं, हमारे डियर वंस हैं, एज हो रही है सबकी, ठीक है, कोई किसी एक्सीडेंट में ऐसा ना हो, किसी के साथ ना हो कि कोई एक्सपायर कर जाए, कुछ हो जाए, बहुत हमारा डियर वन था वो रहा नहीं, फिर हमें बहुत सफरिंग हो जाती है। तो एक इसको मैं मान, ये चीज़ मैं मानता हूँ, ये चीज़ें हमें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन क्या ये जो सफरिंग हो रही है हमें और लोगों को संभालने में दिक्कत नहीं करेंगी क्या? हम ये मानते हैं ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। और दूसरी बात है, देखिए मैं मेंटल हेल्थ को क्यों चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया ना, जब मैंने क्लासेस में पढ़ाया तो मैंने हमेशा एक चीज़ की कमी देखी है कि मैं इतनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैं EMFK पढ़ा रहा हूँ, सिग्नल सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक जो शिफ्ट आना चाहिए स्टूडेंट की लाइफ में, वो हमेशा मुझे लैकिंग लगता था। तो इसलिए मैं इस पर काफ़ी बात करना चाहता हूँ, और आगे भी मैं इस तरह के कोर्सेज हैं, मैं और नई नई चीज़ें समझ कर जान कर मैं चाहूँगा कि बेटर बना सकूँ लाइफ को, और लोगों की जो लाइफ है, लोगों की जो लाइफ है वो मैं बेटर कर सकूँ, उनको बेटर फील करा सकूँ। इस चीज़ की मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्लीज़ आई एम ग्लैड टू आंसर। और जैसा मैंने कहा उसको मैं एक बार और भी रिपीट कर दूँ, आपने फॉर्म भरा होगा उससे मुझे ईमेल आईडी मिलेंगे, और ईमेल आईडी पे मैं आपको इसका कोर्स मटेरियल भेज दूँगा, या PPTs होगी, ये PPT भेज दूँगा मैं आपको, ठीक है। इस PPT को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए रेफरेंस, ठीक है। ये जो फाइनल PPT है मैं यही भेज दूंगा आपको, इसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर लिए और लर्निंग शीट आप तैयार कर दीजिए, ठीक है। और एक जो मैं आपको इसका जो कोर्स प्लान है, इसके साथ एक कोर्स प्लान भी लगा दूंगा, तो आप लर्निंग शीट आप मुझे मेल आईडी पे भेज सकते हैं, मेरी मेल आईडी पे, जिससे आपके पास मेल आएगा, ठीक है। आप इसको यूज़ करिए, बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, लोगों को लगता होगा कि अपने बारे में बात करना, अपने बारे में जानना, ये बहुत बेफजूल सी चीज़ें हैं, टाइम बेकार करने की चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं, आपको लौट के उधर ही आना है, आप जानिए चीज़ों को, जानिए टेक्नोलॉजी, जानिए इसके बारे में, क्यों ना निकल, न्यूरो साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसकी फाइंडिंग्स को मैं चाह रहा हूं कि लोग इसको समझें और जाने और यूज़ करें। तो मेरी पूरी पूरी कोशिश रही है और आगे भी रहेगी। अगर आपको कोई सवाल है मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर पूछिए, और अपने आप को अनम्यूट करके भी आप सवाल पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं एक स्टूडेंट भी, अगर मैं इस कोर्स के जरिए एक स्टूडेंट को भी इस बात के लिए मैं तैयार कर सकूं कि सारी प्रॉब्लम का सलूशन भीतर है और वो साइलेंस में है, और अपना विवेक, जो भगवान महावीर ने कहा विवेक, इसको मैं रिपीट करता हूँ, भगवान महावीर ने कहा विवेक, भगवान बुद्ध ने कहा बोध, ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहा दृष्टि, ठीक है, इसके अलावा फिलोसफर रहे हैं ओशो, कहते हैं होश रखना, जीतू कृष्णमूर्ति कहते हैं अवेयरनेस रखना, गुरु नानक देव जी ने कहा है स्मृति, मतलब स्मृति रखना, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना इस चीज को। लाउत्से ने कहा इसको समझ, अंडरस्टैंडिंग। सब लोगों ने अपने हिसाब से बात की है, ये क्यों कहा है, सब लोगों की अलग अलग टीचिंग है। आप कोई से भी ईश्वर भगवान को मानते हो, आप किसी फिलोसफर को भी मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे सब लोगों बाद में जाकर एक ही पॉइंट की बात करेंगे, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे वो, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना चाहिए। और आप किसी की भी इनलाइटमेंट स्टोरी देख लीजिए, किसी की भी इनलाइटमेंट स्टोरी देखिए, इनलाइटमेंट का मतलब मैं वही चीज बता रहा हूं, उनको ये पता चल गया कि वो बटरफ्लाई है, और इनलाइटमेंट क्या होता है, कैटरपिलर को ये पता चल गया वो बटरफ्लाई हो गया, इनलाइटमेंट समझ आ गई मुझे, विवेक जाग गया मेरा, मुझे बोध मिल गया, मैं अवेयर हो गया कि मैं बटरफ्लाई, मैं कैटरपिलर की तरह जिन्हें बन नहीं रहूंगा। तो ये जानना, ये समझ रखना कि मैं कैटरपिलर से बटरफ्लाई हूं, ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, आप बहुत बेटर लाइफ कर सकते हैं, अपने आप को बेटर बना सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है, आप दुनिया के सारे काम करते, ठीक है, आपको किसी ने मना नहीं किया, लेकिन
पीस पर, एक इनर पीस पर आपका राइट है। अब क्यों नहीं मिलना चाहिए आपको इनर पीस? ऐसा क्या तुमने गलत कर दिया? हम कहते हैं कि कुछ बाहर कुछ अच्छा होगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, इसको मैं स्लेवरी बोलता हूं। मुश्किल काम है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर आपको करेक्ट नहीं करना, करना है, लेकिन अपनी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करना है ये सोच के कि बाहर जब अच्छा होगा तो ही मैं अच्छा फील करूंगा। ये जो चीज है ये मुझे बाहर अच्छा करने में रोकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को जान लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटर, मैं अपना इनर स्टेट अच्छा रखूंगा। प्रॉब्लम आने दो, प्रॉब्लम मतलब एक्सटर्नल सिचुएशन अब। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक अनाउंसमेंट और आपसे कर दूं कि एक 29 में या 30 में एक वैलिडेशन फंक्शन हम रखेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आप सबको इनवाइट करूंगा। अब फीडबैक तो आपका हो गया आज, ठीक है, वहां पर एक जनरल चीजें डिस्कशन में आएगी, मुश्किल से आधे घंटे का होगा वो, हाफ एन आवर का, जिसमें आपकी प्रेजेंस मुझे चाहिए होगी। तो जब मैं आपको इनवाइट करूँ तो प्लीज आप इसमें रहिएगा। 29 तारीख, ये तो मेरा कोर्स तो आज एंड हो रहा है, इसके अलावा और कोर्सेज होने, वो 29 तारीख को एंड हो जाएंगे। उसके बाद 30 तारीख को एक कॉमन फंक्शन हम रखने की सोच रहे हैं, अभी इसके बात चल रही है, जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। और इसका जो फॉर्म है, जैसा मैंने कहा कि जैसे ही आप लर्निंग शीट भेजोगे मेरे पास, तब हम आपको इसका फॉर्म आपको मिल जाएगा। लर्निंग शीट जमा करने के लिए आपके 27 है, 28, 29 दो दिन आपके पास है, और मैटर है जो PPT है मैं आपको भेज दूंगा, इससे आप रेफरेंस पे ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं बार बार लगातार इस बात को बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने एग्जांपल भी ये लिया कैटरपिलर और बटरफ्लाई का। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी आप पूरी रखिए और अपने इनर को मैनिपुलेट होने मत दीजिए। जैसा है फ्रेश एकदम, ठीक है, तो जजमेंट नहीं रखने लोगों के बारे में। मैं तो ये लगता हूँ कि लोग घुटने लगते हैं, सफोकेट होने लगते हैं, देख के सफोकेट हो जाते हैं। तो बड़ी सरप्राइजिंग थी, कोई किसी को देख के कैसे सफोकेट हो सकता है? अच्छा ठीक है, उसने कुछ गलत किया है, ठीक है, मुझे उसको जवाब भी देना है, तो जवाब देना, इसमें सफोकेशन होने की क्या बात है? जवाब देने के लिए तो मुझे एनर्जी चाहिए ना, और मैं सफोकेशन में अपनी एनर्जी सारी निकाल दे रहा हूँ। प्रॉब्लम सबके साथ आती है। देखो मैं आज का जो मैंने लेक्चर दिया है, मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ उसमें, आज भी फिजिकली मुझे कल भी फीवर था, ठीक है, आज भी हल्का सा है, लेकिन ये मेरा फिजिकल फॉर्म है, मेरा बॉडी है। ठीक है, मेंटल लेवल पे मैं, ये मुझे टच नहीं करता है, ये मेरा लर्निंग है इस तरह का। अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ मैं करता भी हूँ। अगर मेरी बॉडी में कुछ दिक्कत है तो ठीक है, मैं उसके लिए कुछ चीज़ें करूँगा, मेडिसिन लूँगा, सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन पैनिक नहीं कर जाऊँगा उस चीज़ को लेकर। तो ये मेरी, मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह की लाइफ जिए जिसमें कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो, बात बात पर पैनिक हो जाना। और ये आप सोचिए कितनी बड़ी लर्निंग है, अगर आप इसको जानते हैं, अगर आप इनर जर्नी शुरू करते हैं, आप तरह तरह के मेडिटेशन हैं वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मेल आईडी होगा, मेरा फ़ोन नंबर भी आपके पास होगा, अगर आप इसको कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपको कोई सवाल है तो आप इस पे मुझसे पूछ भी सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल भी आप इसमें उससे पूछ सकते हैं। नंबर आपको व्हाट्सएप से मिल गया होगा, लेकिन ये स्पेशली मैंने दिया है। ठीक है, और जो मैं आपको अब मैटर भेजूंगा उसी पर आप मुझको रिवर्ट बैक कर दीजिएगा अपना जो लर्निंग शीट है। ठीक है, तो इसी बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इस कोर्स का मतलब यही था, और न्यूरोसाइंस एक बीच की चीज़ है, उसके ज़रिए मैं कहना चाहता था कि ब्रेन में ये सारी चीज़ें हैं और ब्रेन को आप शेपअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लगी और मुझे फ़ायदा हुआ इस बात से। ठीक है, मुझे फ़ायदा हुआ इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये टेस्टेड चीज़ है, और 24 घंटे में एक घंटा 60 मिनट कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। आप निकालिए, एक घंटा मतलब 60 मिनट, 20-20 मिनट करके तीन सेक्शन लेके यूज़ करिए, और उस 20 मिनट में आप अकेले होंगे, आप अपने साथ होंगे, अपने सेल्फ, और फिर आप देखिए कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही। मैं आपके टेक्निक बताता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, सपोज दैट कोई चीज़ है और मुझे बड़े परेशान करके चली गई, फॉर एग्जाम्पल
आपको तरीका बता रहा हूँ अभी 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 हमारे पास 5-7 मिनट है, कोई चीज मुझे परेशान करके चली गई मान लीजिए, तो मैं उसको साइलेंस में दोबारा वॉच करता हूँ पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। ये ट्रिक है, आप इसको समझिएगा, वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मेरे ब्रेन में है, माइंड में है, मैं उसको रिकॉल करता हूँ, ठीक है, आई रिकॉल द कंप्लीट एक्सपीरियंस कि कैसे मैं सफर हो गया, कैसे मेरा रिस्पॉन्स था इस पर, कैसे मैं लाउड हो गया। उसको जब आप एक्सपीरियंस करेंगे और आपको ये लगेगा कि ये ऐसा करके हो सकता था, तो उस एक्सपीरियंस की एक कॉपी और तैयार हो जाती है, पता है आपको, उस एक्सपीरियंस की एक कॉपी और तैयार है, क्योंकि आपने उसको बहुत मतलब विटनेस फॉर्म में आपने उसको वॉच किया है। आप अभी कभी भी करके देखिए, आप जब भी आप सफर हुए हो ना, सफरिंग हुई हो, तो जो आपका प्रोसेस ऑफ सफरिंग है उसको आप दोबारा एक बार देख लो, आराम से इन्वॉल्व नहीं होना उसके साथ, उसको देखो कि क्या क्या हुआ कि ऐसा ऐसा करके मैं सफर हो जाता हूं, तो उसका एक कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके पास होगा। अब आप देखो, जब दोबारा सिचुएशन आएगी आपके पास, तो आपके पास दो एक्सपीरियंस होंगे, एक जिसको मैं ब्लाइंड था, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने एकदम अपना रिएक्शन दिया, दूसरा वो जिसमें मैंने ये सोचा, मैंने ये मनन किया कि ये हुआ कैसे। अब आप देखिए, जब सेम सिचुएशन आएगी अब दो एक्सपीरियंस है। अगर आपका विवेक रहा, अगर आपकी समझ रही, तो आप पहले वाला एक्सपीरियंस पिक नहीं करोगे, आप दूसरा एक्सपीरियंस पिक करोगे जिसमें सफरिंग नहीं है, समझ है। और धीरे 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 ये जो प्रैक्टिस है आपकी, ये अंदर का सारा कचरा आपका साफ कर देगा, जिसको बोलते हैं इनर क्लिंजिंग। समझ से आप इनर क्लिंजिंग कर सकते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, आप यहां पर सफरिंग के लिए नहीं है, आप यहां पर सफरिंग के लिए होने के लिए नहीं आए, आप ये जानिए, दोबारा बोल रहा हूं, आप कैटरपिलर की तरह सफर मत करिए अपने आप को, एक खोल में बांध के रख रखा है उसको, और उसे पता ही नहीं है, और दुनिया के सारे काम कर रहा है, उसके अंदर बटरफ्लाई छिपी हुई है, उसको पता ही नहीं है। वही इनर पीस आपका सबसे पहला नेचर है, ट्रू नेचर है, वो आपका इनर, वो आपका पीस है, बीइंग लव, बीइंग इन लव है, आप भरे हुए हैं इस चीज से, फील ऑफ ग्रेटिट्यूड है। ये सारे एक तरह के वेपन्स बता रहा हूं, आप यूज कर लीजिए, कोई आपके लिए कुछ करता हो और आपको, आप ग्रेटिट्यूड से भर जाइए ब्लाइंडली। मैं आपको कहता हूं, आपको अंदर से बहुत अच्छा फील आएगा। मैं तो इसको यूज कर चुका हूं, द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड, और करता भी हूं हमेशा, और मैं इसके लिए तो आप, मैं आपके लिए मैं ग्रेटिट्यूड रखता हूँ कि आपकी वजह से मैं इतनी सारी चीजें रिकॉल कर पाया इस पूरे मतलब कोर्स में। हाँ, आप लोगों ने, मैं कुछ ही स्लाइड बना रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज ध्यान में आ गई, तो वो मेरी मेमोरी में एक कॉपी और बन रही है उसकी। हाँ नहीं, ऐसा कोई आता है सामने तो ऐसे बिहेव करना उसके साथ। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटिट्यूड से भरना। जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ, तो मैं जब मैं लेक्चर लेके आता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा लर्निंग हुआ है, स्टूडेंट को क्या मिलेगा वो उसको पता होगा, तो मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड से मैं अपने आप को बिल्कुल लबरेज रखना चाहता हूँ कि नहीं, मेरे ये चीज मुझे हमेशा अच्छे से रखनी है। तो आप देखिए, कभी भी सफरिंग नहीं, सफरिंग जगह ढूंढती है, आप ये बात ध्यान में रखिएगा, सफरिंग के लिए जगह चाहिए, लेकिन जब आप अंदर से साइलेंस से भरे हैं, पीस से भरे हैं, ग्रेटिट्यूड से भरे हैं, अगर किसी का प्रॉब्लम है तो वो उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये वो जाने, ये उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप अपना इनर सेल्फ के साथ रहिए, और ये कहूं या ना कहूं, लेकिन चलो कह देता हूं कि सेल्फ ही गॉड है। मैं इस बात पे अपनी बात खत्म करूंगा। लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, तो एक बात मुझे याद आ रही है कि खुद की खुदाई में खुदा जरूर मिलेगा। अगर आपने अपने आप को सर्च आउट किया, अगर आपने अपने आप को सर्च आउट करने गए, तो समझ लेना आपके सामना उससे हो जाएगा जिसकी तलाश में अक्सर आप रहते हैं।
ईश्वर गॉड सेल्फ, लेकिन सेल्फ को एक्सपीरियंस नहीं है। अगर चलो एक छोटी सी बात में बात करके अपनी खत्म करूंगा, पता नहीं मुझे आपकी एज उस लेवल की है कि मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। गॉड को एक्सपीरियंस नहीं है। गॉड एक्सपीरियंस का मतलब गॉड पास्ट का पार्ट हो जाएगा, एक्सपीरियंस का मतलब होता है मेमोरी। गॉड इज नॉट एन एक्सपीरियंस, ठीक है। सेल्फ इज नॉट एन एक्सपीरियंस। आपको आप सेल्फ हो सकते हैं, सेल्फ होने का आपको पता नहीं चलेगा, ध्यान में रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सेल्फ हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सेल्फ हूं। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, अनुभव चाहिए होगा। जब आप सेल्फ होते हैं तो आपकी आइडेंटिटी में एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। सेल्फ इज अ गॉड। आप अपने आप को सर्च आउट करिए, कोई भी चीज, न्यूरोसाइंस की फाइंडिंग्स यूज उसमें आप यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन यूज कर सकते हैं, पूजा पाठ यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को जानना, ईश्वर को जानना है। इसके साथ मैं इस कोर्स को यहीं पर समाप्त करता हूं, और मुझे आप लोगों ने इतने दिन सुना और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। और अगर आपका कोई सवाल है तो सवाल अभी भी आप पूछ सकते हैं, और क्योंकि ऑल आप सारे मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं तो अवेलेबल रहूँगा। मेरे नंबर भी आपको दे दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कोई चीज़ पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी इस बात की होती है कि अगर मेरे एक स्टूडेंट की भी लाइफ बेटर हो जाए, और सबके तो होनी चाहिए, अगर एक स्टूडेंट भी मेरा ट्रांसफॉर्म करेगा इनर लेवल पर, तो मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है। मैं आशा रखता हूँ कि आपका पूरा जो इंटायर लाइफ होगी, और कहीं किसी भी फेज ऑफ लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हैं, और कोई आपको सफरिंग नहीं होगी, एक बेटर लाइफ आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी के साथ इसको अभी एंड करता हूं, और मैं सब लोगों से ये बोलना चाह रहा हूं कि थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू, नमस्कार।